नमस्कार, मैं बजरंग गाड़ोदिया, नलबाड़ी शाखा का कोषाध्यक्ष, आज कोविड एट ग्लेंस प्रोग्राम के संचालक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं स्वागत करती हूं हमारे मुख्य वक्ता श्री सुरेश कुमार जी जैन का, डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का ये सेशन कोविड के ऊपर है। कोविड जो कि आज इस वक्त अभी के पैंडेमिक है, इस वक्त हम सब इससे जूझ रहे हैं फिलहाल। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेकंड स्ट्रेन है, ये बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। बच्चे इससे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो हम सब चिंतित रहते हैं कि हम तो जैसे भी करके इससे होप अप कर लेते हैं, बट बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाए बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड। तो आज के हमारे वक्ता हमें बताएंगे कि हम बच्चों के साथ किस तरह से टैकल करें और हम स्वयं कोविड में किस तरह से स्वयं का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन वो किस तरह से लेनी है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी पदाधिकारीगण जो भी यहाँ पर उपस्थित है, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूनम जैन नलबाड़ी शाखा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मुझे एक ऐसे इंसान का इंट्रोडक्शन देना है जो अपने आप में ही एक मिसाल है। आपका नाम सुरेश जैन जी है, जो एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेडियाट्रिक्स में MD है, 35 साल से इनका कार्य चल रहा है, सर कर रहे हैं। आपका क्लिनिक कम में है। आपके सरलता व्यवहार की वजह से पेशेंट्स और पेरेंट्स सबके साथ ही आप बहुत पॉपुलर है। आज ये जैन डॉक्टर फेडरेशन गुवाहाटी के प्रेसिडेंट है। आप इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक्स आसाम स्टेट ब्रांच में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आप केसीदास कॉमर्स कॉलेज गुवाहाटी में 3 साल तक गवर्निंग बॉडी मेंबर थे। आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, चाइल्ड केयर विद सुरेश जैन, जहाँ हमें 60 से भी ज्यादा वीडियोज मिलेंगे, जिसमें हमें ज्यादातर चाइल्ड हेल्थ एंड कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब हम जानेंगे हमारे मुख्य वक्ता से कि कोरोना का अपने बच्चों पे क्या असर हो सकता है और हम लोग क्या व्यवस्था उसकी ले सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर सुरेश जी जैन से, वो आए और अपनी बात। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश जैन गुवाहाटी से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सबसे पहले मैं नलबाड़ी की मारवाड़ी युवा मंच संस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा, तो उन्होंने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिससे बच्चे तो लाभान्वित होंगे और उनके पेरेंट्स भी, और बृहत्तर समाज लाभान्वित होगा। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं मेन टॉपिक पर चल रहा हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं, लास्ट 1 साल से ज्यादा समय अपन को हो गया है और अपन लोग इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। पहला वेव हम लोगों ने पार किया, सेकंड वेव अभी चल रहा है। जब भी TV ऑन करते हैं तो थर्ड वेव की बातें सुनने को मिल रही है। हकीकत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ सही भी हो रहा है, बहुत कुछ गलत भी सुनने को अपन को मिल रहा है। अब मैं आपको इस टॉपिक से रूबरू कराना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना है क्या। कोरोना ये एक वायरस का डिजीज है। 2019 के अंदर में ये सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 नाम से एक नोवल मतलब नया कोरोना वायरस सामने आया, जो वुहान से शुरू होकर के और आस्ते 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 इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। यह एक संक्रामक रोग है, कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे में फैलता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था 2020 की मार्च में। अभी तक आज की तारीख तक हम लोग वर्ल्ड वाइड 16.7 करोड़ रोगी इसके ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारे इंडिया में भी 2.7 करोड़ हमारी आबादी इस बीमारी से ग्रसित ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, शायद आप लोग देख रहे होंगे, ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर है। वैसे तो बहुत छोटा सा है, हम लोग आंखों से दिखता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, जो सब ये देखने में ऐसे मुकुट का जैसा लगता है, इसीलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। जैसे वो सिर पर जो मुकुट पहनते हैं अच्छे मोती वाले, डायमंड वाले, वो इसके बाहर में आप लोग देख रहे होंगे एकदम आउटर साइड में जो स्पाइक्स के जैसे है, ये स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है और ये स्पाइक प्रोटीन ही हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है और यही हमारी बॉडी में आकर के अटैच होता है। जैसा आपने देखा कि पहला वेव गया,
दूसरा वेव आया, अभी कई वक्ता बोल भी रहे थे तो दूसरा वेव थोड़ा सा ज्यादा ही खतरनाक है, बच्चों में ज्यादा असर कर रहा है। हम लोगों को रोज सुनना पड़ रहा है कि नया नया वेरिएंट आ गया, नई नई जगह के नाम से वेरिएंट अपन को सुनने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा जल्दी संक्रामक करता है, मतलब अगर एक मेंबर अगर फैमिली का बीमार हो गया तो देखते ही देखते पूरी फैमिली लपेटे में आ जाती। और एक और नई चीज जो अभी सामने आई सेकंड वेव में, वो है कि पहला वेव में बोला जा रहा था इसका एरोसोल मतलब हवा से ट्रांसमिशन नहीं है, जबकि इस बार बोला गया कि नहीं, ये हवा से भी ट्रांसमिट करता है। और पहली वेव की तुलना में बच्चे इस बीमारी में इस वेव में ज्यादा अफेक्टेड है। जो अभी जो मैंने बात की कि एरोसोल, ये एरोसोल एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी आदमी आसी करता है या छींकता है या बात करता है या हंसता है तो उसके मुंह से कुछ कण निकलते हैं, अगर वो कण 5 माइक्रोमीटर से बड़े हैं तो हम उनको ड्रोपलेट बोल देते हैं, क्योंकि वो भारी है, ज्यादा टाइम हवा में नहीं रहते, सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। और जो 5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उनको हम एरोसोल बोलते हैं, वो हल्के हैं तो काफी घंटों तक वो हवा में रह सकते हैं और वो हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कोरोना एक से दूसरे में फैलता है उसके ये 4 टाइप बताए, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है कि किसी आदमी का कोरोना वाले का नाक बह रहा है, उसने अपने नाक को पोंछा और उसी हाथ को उसने दूसरी जगह किसी दूसरे के लगा दिया। दूसरा जो अभी मैंने बताया ड्रोपलेट जो मोटे कण निकलते हैं, तीसरा एरोसोल जो छोटे कण अपने खांसी में छींक में निकलते हैं, और चौथा हो गया सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया कि जो कण निकल करके ड्रॉप करते हैं तो वो हो सकता है कि कोई आदमी टेबल पर बैठा है तो वो टेबल पे जाके चिपक गए, दरवाजे के पास में खड़ा है दरवाजे पे लग गए, लिफ्ट में जा रहा था लिफ्ट में चिपक गए, फिर कोई दूसरा आदमी वहां पर आया उसने वहां पर हाथ लगाया और उसने नाक या मुंह में हाथ लगाया और वो उसको फैला दिया। तो ये मोटा मोटी ऐसे 4 तरीके से बीमारी फैलती है। ये एक बहुत बड़ा जो समझने का पॉइंट है जहाँ हम की सबकी चूक हो रही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद यही पॉइंट है जिसके खातिर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही और लोग इसको अच्छा से समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप अच्छा से समझिएगा इस स्लाइड को। जब कोई भी आदमी एक जैसे कोई कोरोना का रोगी है और उससे वो किसी दूसरे आदमी से नॉर्मल आदमी से बात कर रहा है, तो जब वो आदमी छींकता है या खांसता है रोगी तो उसके मुंह से जो भी कण निकलते हैं या छींक से जो भी कण निकलते हैं, नाक से जो भी निकलता है, वो जाकर के उस नॉर्मल आदमी के शरीर में नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा या आंख के द्वारा पहुंच जाता है। अब होता क्या, ये पहुंच तो गया कीटाणु, तो वायरस तो उसके शरीर में एंटर कर गया, और अगर वो आदमी शायद नेक्स्ट डे टेस्ट करा ले तो क्या पता टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए, लेकिन उस आदमी के शरीर में वो कोरोना वायरस बीमारी नहीं करते, तो वो वायरस की जो एंट्री है उससे लेकर के जब तक वो आदमी के पहला सिम्टम आता है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन का होता है, लेकिन 14 दिन तक का भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी के कॉन्टेक्ट में आए हो और आपके कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी फिर भी आप अपने आप को, अगर आपको अपनी फैमिली को बचाना है तो आप दूर हो जाइए फैमिली वालों। इंक्यूबेशन पीरियड का जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है, लेटेंट पीरियड रहता है जो, उसमें वो आदमी दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दे सकता है, लेकिन बाद वाले पीरियड में वो आदमी इन्फेक्शन दे सकता है। इसका कहने का क्या मतलब होता है कि अगर किसी के कोरोना वायरस शरीर में घुस गया, उसके बावजूद भी वो आदमी बिना कोई बीमारी के, बिना कोई लक्षण के दूसरे लोगों में बीमारी फैला सकता है। इसी के लिए लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा महत्व है। ये जो लॉकडाउन दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, उसको तो अगले को पता भी नहीं है कि वो बीमार है, और वो बाजार में जाता है, सारा काम करता है, अपना एज यूजुअल रूटीन फॉलो करता है, और वो एक आदमी 50 को बीमारी देकर के आ जाता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये बच्चों में और बड़ों में सेम ही है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में अलग या बड़ों में अलग। एक और जो समझने की चीज़ है, यहाँ एक चीज़ लिखा है कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोरोना का रोगी दूसरे को ये बीमारी कितने दिन तक दे सकता है, तो जिस दिन से उसके बीमारी के लक्षण आते हैं उसके वो 2-3 दिन पहले से देना शुरू कर देता है, और जब तक उसके सिम्टम्स रहते हैं तब तक वो बीमारी देता है प्लस 2-3 दिन एक्स्ट्रा। इसीलिए नॉर्मल में हम देखते हैं कि जो माइल्ड रोगी होते हैं वो वैसे तो 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ता है जिससे कि ये बीमारी दूसरों में नहीं फैले। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें बीमारी में होता क्या है।
क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या होती है। तो ये बीमारी एक्चुअली डिपेंड करता है कि उस बीमारी की कौन सी स्टेज में हम देख रहे हैं, कौन सी बीमारी किसको कितनी सीवियर है, या पहले से उसके कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या जिसको हम लोग बोलते हैं कोमोर्बिडिटी, वो है क्या। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आदमी कोरोना से ग्रसित है लेकिन उसके कोई सिम्टम नहीं है और उसके बीमारी के दौरान सिम्टम आएगा भी नहीं। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं एसिम्टोमेटिक, बिना लक्षण वाला रोगी। और ये अगर हम लोग सारे रोगियों का हिसाब करें तो 1/3 होते हैं, मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए 35-40% लोग बिना बीमारी भोगे दूसरों को बीमारी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरे कुछ रोगी होते हैं जिनके शुरुआत में सिम्टम नहीं रहते हैं लेकिन बाद में सिम्टम हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्री सिम्टम, और जो सिम्टम्स वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिम्टोमेटिक। तो यहाँ यही सबसे पॉइंट बढ़िया से समझाया हुआ है इसमें कि सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, जहाँ तक बीमारी फैलाने का सवाल है, दोनों समान है। जिसके खुद के कोई भी लक्षण नहीं है, न उसके बुखार है, न सर्दी है, न खांसी है, न गले में खराश है, न गले में दर्द है, न ऑक्सीजन डाउन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ अगले के, लेकिन चांसेज है कि वो बीमारी दूसरों में फैला देगा। इसीलिए सबको मास्क पहन करके रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अपने आप को कोई भी आदमी नॉर्मल माने ही नहीं तो सबसे बढ़िया बात है। अब क्या क्या लक्षण इसमें हो सकते हैं, जो नॉर्मल अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी के बीमारी होती है तो वो एक्यूट स्टेज में रहता है बीमारी के, तो एक्यूट स्टेज में जो कॉमन सिम्टम्स है, बुखार आती है, खांसी होती है, सर्दी होती है, गले में खराश रहती है, सांस में थोड़ी तकलीफ रह सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, और जो कोरोना को लेकर के जो सबसे नई बात हम लोगों के सामने आई थी वो है लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब अगले को कुछ सूंघने में नहीं आता है, कुछ टेस्ट करने में नहीं आता है। ये कोरोना का स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर किसी भी आदमी के, नॉर्मल आदमी के, अगर सडनली उसका टेस्ट सेंसेशन चला जाए या स्मेल सेंसेशन चला जाए तो उसको RT-PCR और रेपिड एंटीजन टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोल्डन सिम्टम है इस बीमारी का, मतलब ये हो गया मतलब आप 100% मान लो आपकी बीमारी हो गई। टायर्डनेस होता है, वीकनेस होता है, शरीर दर्द करता है, सिर दर्द भी अपने आप में एक अलग से सिम्टम है। इस सेकेंड वेव में एक जो खास बात समझ में आई वो है, पहले वाली वेव में था कि नॉर्मल में ये सर्दी खांसी वाले सिम्टम ज़्यादा थे, लेकिन सेकेंड वेव में देखा कि पेट के संबंधी सिम्टम, वोमिटिंग, डायरिया और पेट दर्द, ये भी बहुत लोगों में होता है और बच्चों में खासकर। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो मेरे पास में सिर्फ वोमिटिंग और फीवर लेकर के आए, लेकिन किसी कारण से मैंने डाउट लग करके मैंने उनका टेस्ट करवाया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। फीवर और वोमिटिंग में पॉजिटिव आता है, फीवर और लूज मोशन में पॉजिटिव आता है, फीवर और पेन एब्डोमेन में भी पॉजिटिव आता है। तो बच्चों के अगर उल्टी, पेट दर्द या लूज मोशन होता है तो मत मानिएगा कि पेट खराब हुआ है, एक बार के लिए आपको यही मान लेना है कि उसके कोरोना हुआ। एक और नया सिम्टम आया, आंख लाल, मतलब आंख आनी जिसको बोलते हैं अपन लोग, और स्किन के अंदर में रेशेज, मतलब दाफड़े टाइप की चीज, चक्के टाइप की चीज भी हो सकती है। एक और जो सेकंड वेव में सामने आई वो चीज थी कान से, कान की प्रॉब्लम, कई लोगों को सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देने लगता है, कान में झंझनाहट रहती है। RT-PCR टेस्ट करके देखते हैं तो पॉजिटिव है, बाकी कोई सिम्टम नहीं, ओनली ये सिम्टम। कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या क्या होता है, तो अभी आप लोग सब एक कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, हालांकि वो मैंने बीच में लिखा हुआ है, फंगल इन्फेक्शन। अभी 4-5 दिन से तो काफी होल्ला मचा हुआ है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये एक बहुत ही बड़ा इसका कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहा है कोरोना का। लेकिन ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि यह कोरोना का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रोगी के ये बीमारी दूसरी बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एडेड इन्फेक्शन। और ये इसलिए होता है कि कोरोना इन्फेक्शन उस आदमी की इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, प्लस उसको जो मेडिसिन दी जाती है वो उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। और कई जो आजकल लोग घरों में ही ऑक्सीजन वगैरह देने लग गए बिना विशेष सावधानी बरते हुए, तो वो ऑक्सीजन के अंदर में जो साथ में पानी की बोतल रहती है सिलेंडर के साथ में, अगर उसका पानी पूरा क्लियर स्टेराइल वाटर नहीं हो तो उससे फंगस फैल सकते हैं। एक बच्चों में खास बीमारी होती है जो कोरोना बीमारी होकर के बच्चा ठीक हो जाता है और उसके 2-3 सप्ताह बाद होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वही सिम्टम लेके हम लोगों के पास में आता है, हम लोगों को जब डाउट होता है तो हम उसका टेस्ट करवाते हैं,
तो उसका आरटीपीसीआर पर नेगेटिव आता है लेकिन एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है। इसका मतलब उस बच्चे के 2-3-4 सप्ताह पहले बीमारी कोरोना की हुई है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहा था इसलिए पता नहीं चला। बाकी जिनकी डायबिटीज है वो बढ़ सकती है, इसमें हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, सडन डेथ भी हो सकती है, और सप्रेस्ड इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कई तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन टेस्ट किसको करना है? आजकल लोग हड़बड़ी में टेस्ट करवाते हैं, वो भी चीज़ गलत है। थोड़ा सा समझना चाहिए कि किसको टेस्ट करवाना है। पहला वही लोग टेस्ट करवाएंगे जिनके जो किसी दूसरे लेबोरेटरी पॉजिटिव लोगों से मिल चुके हैं और अपने आप को डाउट करने के, मैं तो उससे मिला था शायद मेरे को हो गया होगा, उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि पहला दिन अपना टेस्ट मत करवाइएगा, 3-4 दिन आप मास्क पहन के रखिए, आइसोलेशन में रहिए और 3-4 दिन बाद ही टेस्ट करवाइए, तो आपका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरे जो कोरोना वाले सिम्टम्स वाला है उनके किए जाते हैं और कई बार स्क्रीनिंग के पर्पज से किया जाता है, जैसे डिलीवरी वाले केस के अंदर में या हॉस्पिटल में कोई दूसरा ऑपरेशन करने की बात आती है तो पहले स्क्रीन करके देखा जाता है कि इस लोग इसके कहाँ पर साइलेंट या एसिम्प्टोमेटिक कोरोना तो नहीं है, तो ये 3 केस में टेस्ट करवाए जाते हैं। नॉर्मल में आप लोग सभी जानते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है जिसका रिजल्ट हम लोगों को आधा घंटा भी नहीं लगता, उससे पहले ही मिल जाता है, और अब 1-2 दिन के अंदर में आपको घर पर भी ये सुविधा मिल जाएगी, फार्मेसीज के अंदर में किट मिलने लग जाएगी, आप घर पर भी सावधानी के साथ वो टेस्ट कर सकते हो। इस टेस्ट का लेकिन ड्रॉबैक यह है कि इसकी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम ही है। अगर हम 10 आदमी का टेस्ट करते हैं कोरोना रोगी का, कंफर्म कोरोना रोगियों का, तो उसमें से 5 का ही पॉजिटिव आता है, 5 का नेगेटिव आता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट किसी का नेगेटिव है तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट भी करना चाहिए, जो पहले एयरपोर्ट पर उसी तरीके से किया जाता है। दूसरा जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं सपोर्टिव टेस्ट, वो एक्चुअली कोरोना की डायग्नोसिस नहीं करते हैं, चेस्ट का सीटी स्कैन करना, चेस्ट का एक्सरे करना, उसमें कई कोराबोरेटिव फाइंडिंग्स होती है, उसके अनुसार हम लोग को डाउट होता है कि शायद इसके कोरोना ही हुआ होगा। और बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स टेस्ट किए जाते हैं, आप लोग सब आजकल जानने लगे हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, IL-6 करते हैं, फेरिटिन करते हैं, LDH करते हैं, लेकिन ये सब टेस्ट अपने आप करने की चीज़ें नहीं हैं, अगर आपको डॉक्टर लिख करके दे तो ही करिए, अन्यथा पैसे बर्बाद मत करिए। सीटी स्कैन टेस्ट भूल करके भी अपने आप कभी भी डाउट के अंदर में नहीं करना है। इन टेस्ट के साथ में मैं एक और चीज यहाँ बोल देता हूँ, यहाँ नहीं मैंने मेंशन किया है, कई बार ऐसे बच्चे मेरे पास में आते हैं जो 4-5 दिन का बुखार लेकर के आते हैं और अपने आप ही टाइफाइड का टेस्ट करवा के लेके आते हैं, आके मेरे को सीधा यही बोलते हैं डॉक्टर साहब इसका टाइफाइड हो गया है, इसका इलाज करवाना है। तो मैं देख करके, मेरे को तो उसका क्लिनिकली लगता नहीं है कि ये बच्चा टाइफाइड का है, तो मेरे को थोड़ा डाउट होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ किसने कहा आपको टेस्ट करने के लिए, ना हमने खुद ने कहा बुखार नहीं कम रहा था इसलिए टेस्ट कर लिया, तो कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं किया, कि डर लगता है, डर लगता है इसलिए कोरोना का टेस्ट नहीं किया लेकिन टाइफाइड का टेस्ट कर लिया। कोरोना रोगियों के अंदर में जो टाइफाइड का, अच्छी तरह से सुनिएगा इस लाइन को, कोरोना रोगियों में जो टाइफाइड के कॉमनली 2 टेस्ट किए जाते हैं, टाइफाइड टेस्ट जिसको रैपिड टेस्ट हम लोग बोलते हैं, टाइफाइड डॉट टेस्ट, या एक वाइडल नाम का टेस्ट किया जाता है, ये दोनों कोरोना के मैक्सिमम रोगियों में फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, मतलब टाइफाइड नहीं है लेकिन टाइफाइड शो करेगा। यह गलती अगर आपने कर ली तो समझ लीजिए उसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और मुश्किलें सामने आती रहेगी, समाधान कुछ भी नहीं निकलने वाला। अब आते हैं अपन लोग कोरोना को समाधान कैसे निकाले, कोरोना क्या होता है कैसे होता है, ये तो हम लोगों ने सुन लिया। मैंने एक बहुत ही सिंपल के अंदर में एक इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, अगर हमको कोरोना को रोकना है तो हमको MDH याद रखना है। अगर आप MDH का पालन करते हो तो समझ लो आपके कोरोना हो ही नहीं सकता है, आपको हर तरीके से ये कोरोना से बचा लेगा। ये 3 क्या है, M का मतलब है मास्क पहनना, D का मतलब है दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करना, और H का मतलब है हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल वे में मैंने डाल रखा है, IMDT। आई का मतलब जिस भी आदमी को कोरोना का थोड़ा सा भी अगर संदेह हो जाए तो उसको तुरंत अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कर लेना चाहिए, जिससे वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बचा सके। दूसरा हो गया मॉनिटरिंग करना, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है।
अगर आप मॉनिटरिंग ठीक से करोगे आपको हॉस्पिटल में ही नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही ठीक हो जाओगे। और तीसरा है क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना, व्हाट्सएप डॉक्टर से और फेसबुक डॉक्टर से सलाह नहीं लेनी है। और टाइम पर टेस्टिंग कर लेना, टेस्टिंग में भी बोलूंगा हड़बड़ी नहीं दिखानी है, आप पहले आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए, अपने डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए, 3 दिन बाद में आप आराम से टेस्ट करवाइए। बीच में मैंने डाल रखा है इसमें इम्यूनिटी और वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो अपन को बचाएगी, अपन को भी बचाएगी और जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो बाकी लोगों को भी बचाएंगे। और एक हो गया अपना इम्यूनिटी, मेरा अपना इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है उसी पर ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी बीमारी कम होगी या ज्यादा होगी, मैं कम में ही पार हो जाऊंगा, न मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, सब कुछ इम्यूनिटी पर डिपेंड कर रहा है। अब ये IMD की ट्रीटमेंट जो है ये देखते हैं, जैसे मैं यहाँ शायद दवाइयों का नाम अभी नहीं बताऊं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में बात करेंगे। बीमारी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट हमको क्या करना है। सबसे पहली चीज है जब भी आपको पता चलेगा आपके कोरोना हो गया है, आप एकदम शांति से इस बात को एक्सेप्ट करिए, पैनिक मत करिए, स्टे काम, टॉक टू योर डॉक्टर। एक चीज तो फाइनल है कि 80% में आपको कोई दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप आराम से ठीक होकर चले जाओगे, ऐसा दूसरी बीमारियों में नहीं होता है। सही मायने में पूछो तो ये बीमारी और बीमारियों की तुलना में थोड़ी सी ईजी है, लेकिन इतनी ज्यादा बीमारी फैल गई है कि अपन लोगों को इसे लगने लग गया है कि भाई ये तो एक हुआ बन गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया आइसोलेट करके रखना है अपने आप को। अगर छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसके साथ में एक केयर टेकर का रहना जरूरी है। मॉनिटरिंग जैसे मैंने कहा, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जो एक ऑक्सीमीटर आता है आप लोग सभी जानते हो, ऑक्सीमीटर में मॉनिटरिंग दिन में 3 से 4 बार करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट में डुप्लीकेट ऑक्सीमीटर भी अवेलेबल है, इसलिए उसका चेक करते रहिएगा। हार्ट रेट मैंने लिखा है लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा आगाह करना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत बार क्या करते हैं आप लोग हड़बड़ी में रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, फटाक से ऑक्सीमीटर लगा लेते हैं। जब एक्टिविटी में आप ऑक्सीमीटर लगाओगे तो आपकी हार्ट रेट 120 130 140 150 आ जाएगी और आपको टेंशन में डाल देगी। इसलिए ऑक्सीमीटर लगाने के पहले हमेशा 5 मिनट रेस्ट करिएगा, 5 मिनट रेस्ट करके ही ऑक्सीमीटर चेक करिएगा और अपनी हार्ट रेट को चेक करिएगा। एक्टिविटी में हार्ट रेट चेक करने से हार्ट रेट ज्यादा आती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। तीसरा है टेम्परेचर, कई बार लो ग्रेड फीवर टेम्परेचर देखने की जरूरत है। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल आदमी का 14 से 16 या 18 तक होता है, 18 से अगर ज़्यादा किसी की सांस 1 मिनट में चले तो हम बोलेंगे कि उसको चेस्ट में इन्फेक्शन पकड़ा है, और 24 से ज़्यादा होने पर तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट है, अगर आप अपने घर में 6 मिनट वॉक करो, आप अपना पहले ऑक्सीजन देख लो फिर आप 6 मिनट वॉक करो, 6 मिनट वॉक करने से अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सेम रहता है या थोड़ा सा बढ़ता है या हल्का सा कमता है, इसका मतलब आप कोरोना होते हुए भी तंदुरुस्त हो, कोई टेंशन नहीं। अगर 4% गिर जाता है, आपका 95 था और वो 91 हो गया, तो सचेत हो जाइएगा, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करिएगा, शायद आपको आगे का नेक्स्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन पैरासीटामोल, पैरासीटामोल नहीं बुखार की दवाई, क्रोसिन कैल्पोल डोलो। ये यहाँ जो लोग भूल करते हैं वो क्या है कि लोग क्रोसिन को या पैरासीटामोल को ओवरडोज में खाने लग जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है 1-1 ग्राम 6 दिन में 6-6 बार खा लेते हैं और उनका लीवर में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। एक आप भाप ले सकते हो, बीटाडीन गार्गल कर सकते हो, आजकल एक माउथ स्प्रे भी निकला हुआ है ओरो क्लियर, वो भी ले सकते हो। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कोरोना से ठीक नहीं करेगा। अच्छा से सुनिएगा, विटामिन ए बी सी डी आपको कोरोना से ठीक नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और इम्यूनिटी के बल पर आप कोरोना से फाइट करने की शक्ति ग्रहण करते हो। और एक इनमें शामिल हो गया जिंक, और जो सबसे बढ़िया मेरे को जो लगता है, हालांकि मेरे सब्जेक्ट की चीज नहीं है, उसके बावजूद भी हल्दी खाना मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, अगर आपके कोरोना हो गया तो आपके इन्फ्लेमेशन को हाइपर होने से भी चेक करता है, और आपके इन्फ्लेमेशन अगर नहीं है तो उसको ओन भी करता है। मतलब ये हर तरह से आपको हल्दी फायदा करती है, तो ये आप जरूर इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से ले सकते हो।
खाना आपका संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत खाने चाहिए, प्रोटीन बहुत खाना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रहेगा, चाहे माँ के अगर कोरोना है बच्चे के नहीं है तो भी ब्रेस्ट मिल्क देना है, बच्चे के कोरोना है माँ के कोरोना नहीं है तो भी ब्रेस्ट मिल्क तो कंटिन्यू रहेगा। रेस्ट करिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और मंत्र चेंटिंग करिए। अलग से मेंशन किया है मैंने मंत्र चेंटिंग। मंत्र चेंटिंग का मतलब हो गया, अगर आप ओम का उच्चारण भी करते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, मृत्युंजय महामंत्र का अगर आप करते हो, तो आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो वर्ड्स आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, प्लस आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ फैलती है और आपको बीमारी को कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलता है। अगर आप मॉडरेट लेवल में चले जाते हो बीमारी के, तो ऑक्सीजन, स्टेरॉइड, ब्लड थिनर्स जरूरत पड़ती है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़े, थोड़ी कम पड़े, इसके लिए उल्टा सुलाने का अवेक प्रोन पोजीशन का आजकल सिस्टम चला हुआ है, बहुत वीडियोज आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, आप देख सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले के लोग जो शंख बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, माउथ ऑर्गन चलाते थे, बैलून फुलाते थे, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपके लंग्स को बहुत मजबूत करती है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को कम करती है। प्लाज्मा, रेमडेसिविर, एंटीवायरस, एंटीबायोटिक, ये सब आप लोगों के लिए है ही नहीं, ये सब डॉक्टर्स के डिस्कशन करने की चीज़ है। आप लोगों को मेरे हिसाब से इन चीज़ों पर कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ दो चार पॉइंट, आइसोलेशन जो है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट समझना है कि जिसको भी अपने आप पर डाउट हो जाए कि मेरे कोरोना हुआ है, उसको एक रूम में चला जाना चाहिए जहाँ अटैच बाथरूम हो, वहाँ वो हर तरह की सफाई का ध्यान रखेगा, विंडोज वगैरह खुला रखेगा, अपनी मॉनिटरिंग करता रहेगा, अंदर में ही अगला एक्सरसाइज करेगा, अंदर में ही अगला डॉक्टर से बात करेगा, अंदर में ही मास्क भी यूज कर लेगा, और उसको 10 दिन तक उसमें आइसोलेशन में रहना ही है, चाहे वो आदमी 4 दिन बाद ही ठीक हो जाओ। बहुत लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, पहला गलती क्या करते हैं कि जब उसके थोड़ा सा सर्दी खांसी रहता है तो बोलता है मेरे कोरोना थोड़ी हुआ है, मेरे को सर्दी खांसी है, मैं आइसोलेशन में क्यों जाऊँ। तो वो क्या करता है, पहले कोरोना का टेस्ट करवाता है और वो आइसोलेशन में नहीं जाता है, 4 दिन बाद में रिपोर्ट आती है आरटीपीसीआर पॉजिटिव, तब तक वो पूरी फैमिली को कोरोना दे चुका होता है। ये पहला भूल। दूसरा भूल वो क्या करता है कि वो चला तो जाता है आइसोलेशन में घर वालों के फोर्स से, लेकिन वो अंदर जाकर के 4 दिन बाद देखता है कि मैं तो पूरा ठीक हूँ, मैं अंदर में क्यों रहूँ अकेला अकेला, मेरे को तो बाहर आना है, मेरा टेस्ट करवा के आप लोग देख लो। तो फिर वो वापस 4-5 दिन बाद में टेस्ट करवाता है, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है और वो बाहर निकलने के लिए उतावला हो जाता है, जबकि वो आदमी 7वें, 8वें, 9वें दिन तक इन्फेक्शियस है, दूसरों को बीमारी फैला सकता है, घर वाले फिर वापस फंसेंगे। तो आइसोलेशन पीरियड इज मस्ट फॉर 10 डेज। आइसोलेशन के दौरान अगर कोई भी मुसीबत होती है, ऑक्सीजन गिरने लगती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, ट्रीटमेंट लेना है। 10 दिन बाद आइसोलेशन से कौन निकल सकता है, 10 दिन जैसे अगले का कंप्लीट हुआ 11वें दिन वो बाहर आ सकता है, उसको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट में पैसा खराब मत करिए। अगर आप आइसोलेशन में हो, आपके 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, 3 दिन से आपकी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, 3 दिन से आपको सांस में तकलीफ नहीं है, 3 दिन से आपको डायरिया या वो वोमिटिंग नहीं है, तो आप आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हो, आपको वापिस टेस्ट करके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ICMR की गाइडलाइन दी हुई है इस बात के लिए। जब वो आदमी बाहर निकल जाएगा 10 दिन के बाद, मतलब 11वें दिन आप उसका स्वागत करिए, एकदम ढोल नगाड़ों के साथ उसको बाहर लाइए आप आइसोलेशन के बाद, लेकिन 7 दिन तक उसको फिर मास्क पहन करके कम से कम रहना है और 7 दिन तक वो घर से नहीं निकलेगा, रूम से निकलेगा। अच्छा से समझिएगा, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। आइसोलेशन इज फॉर द पेशेंट, क्वारंटाइन इज फॉर द फैमिली मेंबर। अगर आपके घर में कोई एक आदमी बीमार हुआ है तो बाकी लोग भी अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से 14 दिन तक क्वारंटाइन में हो, आप जाकर के दुकान नहीं खोल सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि बीमारी को तो आपने आइसोलेशन में डाल दिया और बाकी घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए हैं सब, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वो 7 डेज तक फिर वापिस थोड़ा सा उसी में रहेगा
और ऑक्सीजन वगैरह टेम्परेचर वगैरह ये तो आज का माहौल जो है सबको चेक करते ही रहना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए सभी लोग जानते हैं, शायद अपन लोग रटा मार चुके हैं इन चीजों का, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तीन शब्द याद रखिए, मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और हाइजीन मेंटेन करना है। और इसी में खाना पीना अच्छा आपको रखना है, प्रिवेंट करना है, तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ानी है। मेडिटेशन की बात अपन लोगों ने कर ली, नींद अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्लीप भी बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिस्टर्ब स्लीप नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन की बात अपन लोग कर ली। वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन का सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन वैक्सीनेशन, आज मैंने वैक्सीन ली आज ही मैं प्रिवेंट हो गया ऐसा बात नहीं है, ये अपन लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फेस मास्किंग में अपन को क्या करना है, देखिए ये साइड में मैंने एक पिक्चर दी है, ये अभी 3-4 दिन पहले जी न्यूज में आ रहा था। अपने इंडिया की अभी ये दशा है, इसीलिए ये कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं इंडिया में, और जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उनमें से 60% लोग मुंह ढकते हैं, नाक नहीं, 20% लोग डीपर मास्क पहनते हैं, और 2% का तो गले में लटका हुआ रहता है, खाली फोटो खिंचाने के लिए पहने। खाली 40% ही लोग इंडिया में ऐसे हैं जो मास्क पहन रहे हैं। अब सोचिए कोरोना रुकेगा कैसे? अपन लोग गवर्नमेंट को दोष तो देते हैं हर बात में, अपन लोग गवर्नमेंट को खाली गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया, सरकार ने ऐसे नहीं किया। हकीकत ये है, मास्क पहनना सीख जाइए अच्छे से, कई सालों तक पहनना है मास्क भी आपका सबको। अभी पेंडेमिक के टाइम में एडवाइज है कि आप ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनिए, और कोशिश करिए कि आप उसके ऊपर में एक कपड़े का मास्क और पहन लो, डबल मास्क पहन लो। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो या हॉस्पिटल में किसी की विजिट करने जा रहे हो तो N95 पहनिए। 2 से 5 साल तक के बच्चे मास्क सिखाना है अपन को, पहन नहीं पाते हैं। 5 साल से ऊपर वालों को बच्चों को अपन पहना सकते हैं। और एक चीज़ क्या ध्यान रखें, अगर कि एक जो मैं चैम्बर में हमेशा ही देखता हूँ, मास्क पहन करके तो आते हैं ठीक ही, लेकिन आते जैसे ही चैम्बर में घुसते हैं उसको टच कर लेते हैं, ऊंचा नीचा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक बार मास्क पहना है आपको हाथ उस पर नहीं लगाना है, मास्क आपका प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए, उसको टच मत करिए, और उसको बराबर 8 घंटे के बाद में आपको चेंज करना ही करना है। और जब आप उसको रिमूव करते हो तो उसको अच्छा से साबुन से पानी से धोइए और फिर डस्टबिन में डालिए। लोग बाग घर में जाते हैं, घर में जाने के साथ साथ दरवाजा खोलते हैं, कोई ये खूंटी पर टांग देते हैं उसको, नेक से फिर वही पहन करके निकल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मास्क की एक लाइफ होती है, जो डिस्पोजेबल मास्क है वो एक ही दिन पहनने हैं, और जो रीयूज वाले मास्क आते हैं जैसा कंपनी आपको डायरेक्शन देती है वैसा फॉलो करते हैं। हाथ धोने का इसमें भी लोग हड़बड़ी दिखा रहे हैं, 20 सेकंड्स तक अगर आप साबुन से पानी से हाथ धो तो ही हाथ धोना माना जाएगा। हाथ का हर हिस्सा आपको धोना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हैप्पी बर्थडे वाला जो सॉन्ग होता है वो अगर 2 बार बोला जाए तो 20 सेकंड करीब करीब पूरे होते हैं। और सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हो, सैनिटाइजर मार्केट में बहुत है, डुप्लीकेट भी बहुत है। 60% एल्कोहल इसमें कम से कम होना ही चाहिए। अब थोड़ा सा ये वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा आप लोगों ने तो शायद यहाँ जो बैठे हैं सबने मेरे हिसाब से तो ले लिया होगा वैक्सीन, अगर नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए। वैक्सीन नॉर्मली 3-4 तरीके की आती है, वो वैसे तो हम लोगों की डॉक्टर्स की बात है, आप लोग मत फंसो उसमें। इंडिया के अंदर में अपना 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ, यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन चल रही है, स्पुतनिक भी अब उसमें एड हो गई है, मतलब 3 वैक्सीन हो गई है, आने वाले समय में 4थी 5वीं 6थी ब्रांड आ जाएगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ सवाल है कैसे दी जाती है, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, लेकिन थोड़े दिन बाद में आपको एक और वैक्सीन मिल जाएगी जो नाक के द्वारा स्प्रे के हिसाब से दी जाएगी और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। शेड्यूल इसका क्या है, जैसे अभी प्रेजेंट शेड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, पुराना भूल जाइए। कोवैक्सीन आपको कम से कम 4 सप्ताह का गैप देना है, कोविशील्ड में आपको 12 से 16 सप्ताह का गैप देना है, अच्छा से 12 से 16 सप्ताह का गैप देना है। पोस्ट इन्फेक्शन में क्या करना है, अगर कोई के कोरोना हो गया है तो उसको 3 महीने का इंतजार तो करना ही करना है, 3 महीने के पहले वो वैक्सीन नहीं ले सकता। साइड इफेक्ट कोई खास नहीं, एकदम मामूली नगण्य, बिना किसी डर के आराम से वैक्सीन लीजिए। लोकल साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा सा इंजेक्शन की जगह में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, पैरासीटामोल 2-3 डोज के बाद में ठीक हो जाता है, किसी को थोड़ा फीवर रहता है, थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं वो भी पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है। थोड़ा रेस्ट आप कर लीजिए, पानी वानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेशन बॉडी का ठीक रखिए। एफिकेसी बहुत बढ़िया है कोवैक्सीन की, तो 90% तक बोल रहे थे,
कोविशील्ड की भी 70-80% है, स्पुतनिक की भी 90% तक आ रही है। अलग अलग स्टडीज, अलग अलग बात, ये सब के चक्कर में ज्यादा मत फंसिए। मैं आज 35 साल से बच्चों के वैक्सीन लगा रहा हूँ, आज तक मेरे को किसी पेरेंट ने आकर के ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब ये कितने परसेंट काम करेगी। मेरे को आज तक याद नहीं है कोई मुश्किल से कोई इक्का दुक्का आ गया हो, बात अलग है। अदरवाइज 35 साल में ऐसे पेशेंट्स मेरे को नहीं मिले जो आते मेरे को ये बोलते हो कि डॉक्टर साहब ये बच्चे का जो आप वैक्सीन लगा रहे हो डीपीटी की, ये कितना परसेंट में काम करेगी, कितना परसेंट इसका साइड इफेक्ट होगा, हम कैसे इसको संभालेंगे। ये झूठ मूठ के टेंशन हम लोग ले रहे हैं, ये मीडिया वालों ने थोड़ा सा ज्यादा उछाल दिया है, इसलिए हम लोग ज्यादा डरे हुए हैं। आपको एश्योरेंस ये मोटा मोटी कि आप वैक्सीन आराम से लीजिए, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज का खाली ध्यान रखिएगा, खाना पीना करके जाइएगा घर से, वैक्सीन लेने के बाद में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वहाँ जरूर वेट करिएगा। कोई तरह का कोई एलर्जिक सीवियर रिएक्शन हो तो वहाँ वो टीम टेकल कर सकती है। बच्चों में अभी वैक्सीनेशन लगना शुरू नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन बाकी कंट्रीज में अब 11 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का जहाँ तक सवाल है, मतलब कौन वैक्सीन नहीं ले सकता है, खाली दो ग्रुप, एक प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीन नहीं ले सकती। अभी इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीन नहीं ले सकती है, लेकिन बाहर की डेवलप्ड वर्ल्ड में प्रेग्नेंट लेडीज में भी वैक्सीन फाइजर वाली मॉडर्ना वाली दी जा रही है। और एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जिनको पहले कभी भी इतना एलर्जी हुआ हो तो उसको एलर्जी के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ होना पड़ा हो, वो आदमी वैक्सीन नहीं लेगा। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से बात करके आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने एक इन्हीं दिनों में ये कोरोना काल को देखते हुए एक मैंने मेरी यूट्यूब चैनल बना रखी है जिसका नाम है चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन। मेरा इंटरेस्ट तो वैसे चाइल्ड का नेचुरल बात है, चिल्ड्रन डिजीजेज ही रहता है, मैं वैक्सीन वही बना, सारे टॉपिक मेरे वही थे। लेकिन अभी जब से ये कोरोना शुरू हुआ तब से मैंने इसके अंदर में कोरोना के टॉपिक बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, और शायद मैंने लास्ट 10-12 जो टॉपिक है वो कोरोना ही कोरोना के गए हैं। तो आप लोग वो सारे वीडियोज आराम से देख सकते हैं और देखिए। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग क्वेश्चंस आप ऑर्गेनाइजर को दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर सुरेश जी, आपने बहुत ही लाभदायक बातें हमें बताई और आशा करता हूँ इससे सभी को बहुत सारा लाभ होगा। अब हम अपने आगे बढ़ते हुए इन्फेक्शन राउंड को शुरू करेंगे। तो आप लोग का जो भी सवाल आप लोगों के मन में है आप पूछना चाहेंगे, झिझक आप पूछ सकते हैं। और मेरा जो क्वेश्चन था डॉक्टर साहब, मैं वो पूछना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लैक्टेटिक मदर्स को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। फिर पिछले दिनों एक इन्फॉर्मेशन आई कि लैक्टेटिक मदर्स वैक्सीन ले सकती है, कोई हानिकारक नहीं है। तो इस बारे में अगर हम थोड़ा सा क्लियर हो पाए, क्योंकि मेरी खुद की मिसेस वो फिट कर रही है मेरे बच्चे को, तो इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए इसमें ऐसा है कि मैंने अभी जैसे मैंने कहा ना मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैंने थोड़े दिन पहले यूट्यूब चैनल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किस किस को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। मैंने डाला था लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लेनी चाहिए। फिर जैसे ही आईसीएमआर ने अपना स्टैंड बदला, मैंने फिर एक वीडियो डाला लैक्टेटिंग मदर्स कैन टेक वैक्सीन। लेकिन उस वीडियो में भी इस वीडियो में भी दोनों में एक बात कॉमन है कि वैक्सीन इज सेफ फॉर लैक्टेटिंग मदर। जो भी माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो वैक्सीन सेफ है, आराम से ले सकती है वो वैक्सीन। और यूएस के अंदर में, यूके के अंदर में, बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर में फाइजर की वैक्सीन वगैरह लैक्टेटिंग मदर में शुरू से ही चल रही है। हम लोगों के यहाँ पर नहीं देने का कारण है, एक तो था वैक्सीन की शॉर्टेज, और एक यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टडीज भी नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे यहाँ स्टडी सामने आई तो उन लोगों ने, तो लैक्टेटिंग मदर्स कैन सेफली टेक दिस वैक्सीन, कोई तरह का कोई भी उनमें हार्म नहीं है। अभी तक की जितनी भी स्टडीज है कोई नुकसान नहीं करती, आराम बच्चों को भी हार्म नहीं है सर, बच्चे को भी दिक्कत हार्म बेबी को भी नहीं है, मदर को भी नहीं है। और सुरेश जी से मेरा एक प्रश्न रहेगा, डॉक्टर साहब मेरी एक क्वेरी रहेगी। अभी मैं वैक्सीन लोगों को लगा रहा हूँ, लगभग 9 मई से मैंने कैंप चालू किया था और लगभग 4,000 लोगों को वैक्सीनेट ऑलरेडी कर चुका हूँ।
45 प्लस के लोगों को भी और 18 प्लस के लोगों को, दोनों को। इसके अंदर में दो वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो जो कोवैक्सीन है उसकी सेकेंड डोज अभी अवेलेबल नहीं हो रही है। बहुत से लोगों की ये क्वेरी है, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, ये क्या दोनों की वैक्सीन ही अलग है? हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं? क्या हो सकता है इसके अंदर? कोवैक्सीन के अंदर में कोरोना वायरस इनएक्टिव है, किल्ड वायरस, वो हमारी इंडिया में बनाई हुई वैक्सीन है, इंडिया में रिसर्च हुई है, इंडिया में उसका प्रोडक्शन चल रहा है, सब कुछ इंडिया में हो रहा है और उसकी एफिकेसी बहुत बढ़िया है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन की रिसर्च हमारे यहाँ पर नहीं हुई, ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में बनाई, लेकिन ये इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसके अंदर में क्या किया जाता है, इसमें वायरस का एक पार्ट को लेकर के और एक दूसरा एक सेफ वायरस है जो हमको हार्म नहीं करता है, उस वायरस के जरिए हमारे शरीर में डाला जाता है, तो हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज बनाता है। दोनों वैक्सीन का बनाने का तरीका अलग अलग है और दोनों अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में काम करती है जाकर के, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज हमारे शरीर में अच्छा बनाती है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग 80-90% एफिकेसी दोनों वैक्सीन की है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि अगर वैक्सीन की शॉर्टेज है तो क्या हम कोवैक्सीन के बाद में कोविशील्ड और कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन ले सकते हैं दूसरी डोज के हिसाब से? अभी ICMR की गाइडलाइन के अनुसार आप नहीं ले सकते हो, नो मिक्सिंग। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3-4 महीने बाद में हम लोगों को इस चीज़ की परमिशन मिल जाए, जैसे अभी स्पेन में इस चीज़ की परमिशन मिल गई। स्पेन में बहुत लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने कोविशील्ड को बंद कर दिया और जिनको कोविशील्ड पहला डोज लगा उनको फाइजर की सेकेंड डोज लगी और उन लोगों में इम्यूनिटी और भी अच्छी हुई। तो आसाम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी शायद इस चीज को बाद में ओपन करते, लेकिन 1% आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अच्छा, एक और लास्ट, ये वैक्सीन सरकार कई बार 44 बिलो 48 से 44 तक भी यही वैक्सीन दे रही है और 45 से अबव के में भी यही वैक्सीन दे रही है। हाँ। सिर्फ पासवर्ड स्लाइड के चेंज करते हैं कि आज वैक्सीन वही आ रही है। हाँ। तो क्या वैक्सीन एक ही है और लगाने का व्यवस्था अलग अलग दिया गया है? हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको अभी कहा वो लैक्टेटिंग मदर वाली टाइम पर मैंने एक बात कही थी आपको कि हमारे इंडिया में वैक्सीन कितनी है, ये चीज देखना है आपको। दूसरा पॉइंट देखना है कि किसको ज्यादा जरूरत है। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखकर के इंडिया ने स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर 60 से ऊपर वालों को लगेगी, फिर कोमोर्बिडिटीज वालों को लगेगी, फिर छोटी उम्र वालों को लगेगी। लेकिन वैक्सीन हमारे शरीर में जाके सेम काम करती है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जो अपन लोग फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं, हम लोग जो बच्चों में फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं, वो फ्लू की वैक्सीन हम लोग 7 महीने के बच्चे में जो लगाते हैं, 7 मंथ्स बेबी को जो वैक्सीन हम लगाते हैं, वही वैक्सीन हम 50 साल के आदमी को भी सेम वैक्सीन लगाते हैं। तो अभी ये जो बनी हुई है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनकी 18 साल से लेकर के ऊपर की जितनी भी उम्र हो उनमें डोज सेम है। अभी जो नेक्स्ट वैक्सीन आएगी, जो अभी कोवैक्सीन में ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो गया चिल्ड्रन में 2 साल से 18 साल वालों में, इनमें अभी तक यही बोला जा रहा है कि दे आर ट्राइंग डिफरेंट वैक्सीन, तो हो सकता है उसमें डिफरेंट आ जाए, वो कोई खास इम्पोर्टेंट बात नहीं। नेहा जी जैन, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, जैसे कि हम कितने बार होते हैं कि हमें लगता है कि हमें फीवर हुआ है या फिर पॉजिटिव का हमें सिम्टम लगता है पर हम टेस्ट नहीं करवाते हैं और हम घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं, तो क्या हम उस आइसोलेट के वजह से खुद की अपनी खुद को हम लोग को जो डाउट लग रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, हम आइसोलेट हुए हैं, तो क्या हम विदाउट टेस्ट हम प्लाज्मा डोनेट कर? देखिए, जहाँ तक प्लाज्मा का सवाल है, प्लाज्मा बार बार बोला जा रहा है प्लाज्मा इफेक्टिव थेरेपी नहीं है, प्लाज्मा इफेक्टिव थेरेपी नहीं है। देने वाला दान कर रहा है, बढ़िया बात है, उसको दान का फल शायद क्या पता मिल जाए, लेकिन लेने वाले को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है, अगर 20% प्लाज्मा लेते हैं तो कोई एक को फायदा हो रहा हो तो कह नहीं सकते, 19 को फायदा नहीं होता है। तो अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें ICMR ने प्लाज्मा को बंद कर दिया है, और फिर भी ये जरूर बोला है कि अगर कोई पेशेंट या उसकी पार्टी इस चीज़ पर अड़ जाए तो आप दे दीजिए हमारे पेशेंट को, तो वो दे सकते हैं।
अदरवाइज प्लाज्मा के अंदर में आप लोग अब मेरे हिसाब से ज्यादा अपन को नहीं जाना चाहिए। प्लाज्मा इज नॉट ए स्टैंडर्ड थेरेपी इन प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आपने जिस तरह सरल तरीके से हमें ये बात रखी आज बताई है, बहुत ही अच्छा लगा। हमें पूरी की पूरी बातें बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गई है। मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। जैसा कि आपने कहा कि दो तरह की इंजेक्शन वैक्सीन अभी लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पहला इंजेक्शन कोई भी व्यक्ति, अगर मैं कोवैक्सीन के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगवा लेता है तो दूसरा इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद में लगवाना है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से 4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद या 12 हफ्ते बाद लगा नहीं पाता है तो क्या उसको कोई नुकसान होने का चांस है क्या, या उसको लेट भी वो लगवा सकता है क्या? मेरा पहला प्रश्न ये है। हाँ ठीक है, इसी का जवाब दूं पहले? हाँ ठीक है। देखिए इसमें ऐसा है कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, जिससे आपको थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाएगा। एक आदमी ने कोवैक्सीन की 2 डोज ले ली और उसके 15 दिन बाद में उसको कोरोना हो गया। अब वो क्या करेगा? क्या वो 1 महीने बाद में वैक्सीन लेगा? नहीं लेगा। उसको वैक्सीन अब 3 महीने कम से कम गैप दे करके ही लेनी है। कोवैक्सीन वो बीमार हो गया, बीमारी से उसको रिकवर होना पड़ेगा, रिकवर होने के बाद में 3 महीने का गैप देना पड़ेगा, उसके बाद में वो वैक्सीन ले सकता है। इसका मतलब वैक्सीन बाद में भी ली जा सकती है। जहाँ तक हो सके आप वैक्सीन में डिले मत करिए। हम जब बच्चों के वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि यू शुड गिव द वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल एज द शेड्यूल से। वो लेट लेने से उतनी ही इफेक्टिव रहेगी? नहीं, उतनी इफेक्टिव तो रहेगी, लेकिन उसमें समझने की क्या बात है, अपन थोड़ा सा, फिर मेरे को थोड़ा सा फिजियोलॉजी में जाना पड़ेगा। समझिए, हम जब पहला वैक्सीन लेते हैं, पहला डोज लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में पहला डोज हमारे सिस्टम को प्राइम करता है। मतलब एक हमारे शरीर में, बॉडी में सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को पहला डोज ऑन कर देता है कि भाई कोरोना वायरस के अगेंस्ट में ऑन हो जा और तेरे को एंटीबॉडीज बनानी है। और वो ऑन हो जाता है और वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है सॉफ्टवेयर। ये हो गया पहला डोज का काम। अब जैसे ही वो दूसरी डोज लेती है, जिसको हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं, जब बूस्टर डोज लेता है तो वो सॉफ्टवेयर एकदम फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है और बहुत स्पीड से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो अगर जो आदमी जितना लेट शुरू करे, लेट लेगा सेकेंड डोज को, उतना ही उसका बूस्टिंग ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी लेट हो जाएगा। मतलब उसको पूरा प्रोटेक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सेकेंड डोज नहीं ले लेगा। मेरा दूसरा प्रश्न है बच्चों से रिलेटेड है। चूंकि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को, 18 वर्ष से नीचे जो भी है उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, नहीं व्यवस्था है, अवेलेबल नहीं है, तो उनको वैक्सीन तो लग नहीं सकती है। और अभी हम ब्लैक फंगस के बारे में सुन रहे हैं, आसाम में भी ब्लैक फंगस आ चुका है। बच्चों में कितने परसेंट चांसेस है ब्लैक फंगस आने के, और उनका क्या, बच्चों के क्या ट्रीटमेंट कुछ अलग ढंग का है कुछ? नहीं, देखिए देखिए, यहाँ शायद मेरे को लगता है इस टीवी वाले ने, मीडिया वाले ने सब कुछ बिगाड़ दिया है खेला। इसने अपन लोगों को, टीवी मीडिया ने क्या कर दिया है कि कोरोना एक बीमारी है, ब्लैक फंगस एक और बीमारी आ गई, और व्हाइट फंगस एक और बीमारी है। जैसे 3 बीमारियां चल रही है, इन तीनों में आपस में घाला मेला कर दिया। और कई कई स्टेट में ऐसा भी मैंने देखा है, जैसे राजस्थान में भी बहुत केस नहीं हुए हैं, लेकिन राजस्थान में आपका इसको ब्लैक फंगस बीमारी को ऑलरेडी एपिडेमिक घोषित कर दिया, मतलब पब्लिक को जबरदस्ती डरा दिया। पहला बात अपन को क्या समझना है कि ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का लाइव ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है। एक फंगस एक प्राणी जिसको हम लोग फफूंद बोलते हैं। फफूंद एक कॉमन भाषा में अपन लोग बोलते हैं ना, जो एप्पल के ऊपर में सफेद रंग का रुई का हिस्सा आ जाता है, या अपन लोग जो बाथरूम के अंदर में जो देखते हैं काई जैसे आ जाती है, ये सब फफूंद की वेराइटीज है। तो ये ब्लैक फंगस भी एक तरह का फफूंद है जो मिट्टी के अंदर में, हवा के अंदर में और पानी के अंदर में नॉर्मली रहता है और नॉर्मल आदमी को अटैक नहीं करता है। ये पहला पॉइंट समझने का। तो ये किसको अटैक करता है? ये उसी को अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन क्यों होती है? कोरोना बीमारी के चलते इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। अगर उस आदमी के कोरोना के साथ में जैसे डायबिटीज वगैरह कोई दूसरी बीमारियां हैं तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। तीसरी, उस आदमी ने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया जो इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट है, जैसे स्टेरॉइड,
जैसे आप लोग नाम सुने होंगे ना, डेक्सोना, मेट्रोल, ये सब, या जिसने रेमडेसिविर लिया हो, या इसमें और कई तरह की दवाई आती है, वो बॉडी का डिफेंस को अपना डाउन कर देती है। चौथा एक जो बहुत बड़ा कारण इस सेकेंड लहर में सामने है, वो क्या है कि इस बार हॉस्पिटल्स में लोगों को सीट नहीं मिली, तो लोगों को जैसे ही ऑक्सीजन डाउन हुई, लोगों ने घर में ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत संस्थाओं ने भी रखे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग घरों घरों में दे भी देते हैं, लेकिन उनको जो देने का जो प्रॉपर तरीका है, जो जुडिशियस वे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन है, वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ में भी लोगों के मुंह के अंदर में फंगस जा रहे हैं। स्टेरॉयड खाने से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, इसलिए भी उनके फंगस जा रहे हैं। पहले से अगर कि डायबिटीज है, इसलिए भी उसके फंगस हो रहे हैं। तो इन सब बीमारियों को हमको कंट्रोल रखना है, और मुंह की हाइजीन का, मतलब ओरल हाइजीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पूरा बढ़िया से बढ़िया ध्यान रखना है। बीटाडीन गार्गलिंग एक बहुत बढ़िया साधन भी है इसका। तो बच्चों में डायरेक्टली ब्लैक फंगस होने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो कोरोना से ग्रसित है और उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई है, या उसका इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन उसको दिया हुआ है, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, आपका नमस्कार। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कोविड के बारे में। एक मेरा छोटा सा सवाल है कि इन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, और सपोज दोनों वैक्सीन ले ली है और उनको काफी टाइम हो गया है, उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना है? देखिए, मैंने कल एक मैंने वीडियो डाला था। हाँ। उस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल वे में एक बात कही है। उसमें मतलब आजकल जैसे अपन लोग जब टीवी में देखते हैं ना, तो आगे पीछे एक ही चीज आती है कि थर्ड वेव आएगी और सबको लपेट लेगी, बच्चों को तो एकदम बर्बाद ही कर देगी। तो मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे पहला वेव हो, चाहे दूसरा वेव हो, चाहे तीसरा वेव हो, चाहे आपने वैक्सीन ली है, चाहे आपने वैक्सीन नहीं ली है, चाहे आपके कोरोना हुआ है, चाहे आपके कोरोना नहीं हुआ है, आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनको बोलते हैं, मास्क पहनना हुआ, बार बार हाथ धोना हुआ, डिस्टेंस मेंटेन करना हुआ, क्राउड में नहीं जाना हुआ, इन चीज़ों को आपको पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने जो वैक्सीन दो डोज ली है, उसके बाद में आपको इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी, ये आपकी अपनी और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। खाली वैक्सीन पर ही डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक जरूर थोड़ा सा मतलब सांत्वना देने के लिए मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि ये ऐसी स्टडी की गई, तो जिन लोगों ने दो डोज ली, 10,000 लोगों का जब स्टडी किया गया, तो उसमें से 0.04% लोगों के ही 0.04% लोगों के ही वापस कोरोना हुआ। तो 10,000 लोग अगर दो वैक्सीन ले लेते हैं, दो डोज ले लेते हैं, और वो हल्की सी सावधानी भी रखते हैं, तो 4 लोग जो एकदम ही सावधानी नहीं रखते उनके ही होगा, अदरवाइज आप मस्त रहिए। हाँ, फिर भी सावधान रहना अच्छा है। सावधानी रहना पड़ेगा, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो पालन करना ही पड़ेगा। इसको अपन लोगों को ऐसे बोल सकते हैं, इसको न्यू नॉर्म्स बना लीजिए, अपनी लाइफ का एक नया तरीका, जीवन जीने का नया तरीका बना लीजिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि जैसे बोला जाता है वैक्सीन लेते ही 10 दिन इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इससे कोरोना जल्दी अटैक कर सकता है, क्या ये बात सही है? एकदम गलत। ये तो एकदम गलत, एक्सप्लेन में बाद में करूंगा, आगे बढ़िया बोलिए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक अस्थमा, यस, उसके बाद उसको कोरोना हो गया है, हाँ, क्या उसको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? पहला आपका क्वेश्चन है कि वैक्सीन लेने के बाद में क्या कुछ दिनों के लिए इम्यूनिटी डाउन होती है? मैं ऐसे बोलूंगा, नहीं, डाउन नहीं होती है। लेकिन एक चीज तो पक्का है कि आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान उतना ही रखना है जितना वैक्सीन पहले लेने के कर रहे थे। तो थोड़े दिन हमको ज्यादा ध्यान रखना है, मतलब अपने आप का ध्यान इसलिए रखना है भाई, कोई तरह की भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। बाकी ये वैक्सीन में ऐसा कोई बात नहीं है कि वो आपकी इम्यूनिटी डाउन कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्थमा के पेशेंट को स्टेरॉइड लेने में कोई भी किसी भी टाइम पर कुछ भी हर्जा नहीं है, ये पहला बात। क्रोनिक जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को हम लोग इनहेलर स्टेरॉइड देते हैं, उनको लेते रहना है अपना एज यूजुअल। खाली उनको एक चीज का मैं जरूर ध्यान बोलूंगा, ये जब से फंगस की बातें आई है, हम लोग जो एस्थमा पेशेंट को जब भी इनहेलर के रूप में इनहेलर स्टेरॉइड जब दिया जाता है, उनको हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि आप
स्टेरॉइड का इनहेलेशन लेने के बाद में कुल्ला जरूर करिएगा, माउथ रिंसिंग जरूर करिएगा। उसके अलावा एस्थमा का पेशेंट अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट एज यूजुअल कर सकता है, नॉर्मल अपनी वो वैक्सीन भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लैक्टिक मदर्स है उनको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, जो एकदम छोटे बच्चे जो एक साल के बच्चे हैं उनकी अपन इम्यूनिटी के लिए क्या कर सकते हैं और क्या ऐसा कुछ खिला सकते हैं उनको? देखिए इसको ये एक चलो इसको सिंपल भाषा में ले लेता हूँ, 6 महीने तक का बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है और उसको जितनी भी इम्यूनिटी बढ़ानी है माँ के दूध से बढ़ानी है, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है आपके पास। हाँ आजकल हम लोग एक चीज जरूर करने लग गए कि विटामिन डी जन्म के बाद में मोटा मोटी हम लोग हर बच्चे को ही देते हैं, वो उस बच्चे को तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, अलग से कोई एक्स्ट्रा विटामिन खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ ठीक रखिए, अपनी इम्यूनिटी आप बढ़ाओगे तो वो बच्चे को ट्रांसफर होनी है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि 6 महीने तक तो हर हालत में बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, जब बच्चे को माँ के शरीर से भी एंटीबॉडीज इम्यूनिटी मिलती है। ये हो गया 6 महीने तक का, 6 महीने के बाद में जहाँ तक सवाल है उसके अंदर में सेम चीज, ये कॉमनली देखा गया है कि 6 महीने के बाद में एक आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया या खून की कमी जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत कॉमन होती है बच्चों में, अपने इंडिया में बहुत कॉमन है। तो कई बच्चों में हम लोग 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भी सप्लीमेंट आयरन, और बच्चों को जैसे जैसे आप विनिंग फूड देना शुरू करते हो सप्लीमेंट्री फूड देते हो आप उसको मतलब हर तरह का उसका फूड ग्रुप में से आपको खाना उसका शुरू करना चाहिए। जैसे आप पहला 6 महीने का हुआ अनाज शुरू करिए, 1 सप्ताह बाद दाल शुरू करिए, उसके 1 सप्ताह बाद एक फ्रूट शुरू करिए, उसके 1 सप्ताह बाद एक ग्रीन सब्जी शुरू करिए, इम्यूनिटी मिल गई, क्योंकि विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट ये तीनों चीज जो इम्यूनिटी बढ़ाती है वो तीनों की तीनों चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भरपूर है और अनाज और दाल में भी अच्छा खासा मिलता है। प्रोटीन की जहाँ तक बात है दाल में अच्छी खासी मिलती है, तो हमारी डाइट चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेज, वेजिटेरियन आदमी को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसकी डाइट में कोई तरीके की कमी है, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं हो सकती, ये एकदम गलत सोच है। वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छे से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए वेजिटेरियन डाइट पर भरोसा रखिए। हाँ एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि लोकली अवेलेबल फूड्स खिलाने हैं। आजकल मैंने देखा है कि मदर्स को क्या है रागी खिलाने की बहुत रहती है या स्ट्रॉबेरी खिलाने का बहुत चस्का रहता है या कीवी खिलाने का बहुत चस्का रहता है या और कुछ बाहर से मंगा करके ऑनलाइन मंगा के खिलाने का बहुत चस्का रहता है, वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन भले ही करके बढ़ाएगी नहीं। जो लोकली अवेलेबल ट्रेडिशनल सीजनल इकोनॉमिकल जो हमारे पेरेंट्स ने खाया हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने खाया वही चीजें दीजिए, बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाएगी। एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन सर देने की जरूरत नहीं? नहीं मेडिसिन बोला ना मेरे को, विटामिन डी चलता ही रहता है और आयरन और सप्लीमेंट उसको हो जाएगा, और अगर हमको लगेगा कि अगर वो अब वो केस टू केस वेरी करता है, अगर मेरे को लगता है कि किसी बच्चे को एक्स्ट्रा कोई और कोई विटामिन ए देना है या वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन में 9 महीने के आसपास में विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन का एक डोज है, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ उनको विटामिन ए की भी एक डोज दी जाए 9 महीने तक, वो मीजल्स का एमएमआर का वैक्सीन लेने जाते हैं उस टाइम पर जितने भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है उनमें विटामिन ए की एक डोज भी देने का प्रावधान है। बाकी और अलग से मतलब अपन को बाजार से फार्मेसी से विटामिन खरीद करके खिलाने की तो मेरे को नहीं लगता है। हाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसको कोई भी मतलब डॉक्टर की सलाह बिना दवाई नहीं ले सकते, एलर्जी होती है। हाँ भोजन को एलर्जी होती है, कोई भी दवाई ऐसे नहीं ले सकते डॉक्टर की सलाह बिना, तो वो क्या वैक्सीन ले सकते हैं क्या? वैक्सीन ले सकते हैं, मैंने कहा ना आपको एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैक्सीन का, अगर किसी को ऐसा एलर्जी हुआ हो कि कोई दवाई खाने के बाद या कोई फूड खाने के बाद या और कोई भी चीज यूज करने के बाद उसको इतनी सीवियर एलर्जी हुई तो उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया तो ही नहीं ले सकता। सेकेंड जब भी वैक्सीन लेने अगला जाएगा तो वैक्सीन जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर जो भी टीम रहती है उनको बाकायदा ये चीज़ें दी गई है कि हाउ टू टैकल द एक्यूट इमरजेंसी एलर्जी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर हॉस्पिटलाइज आगे नहीं हुआ है कोई सीवियर एलर्जी नहीं हुई है तो आराम से ले सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहिए, वैक्सीन लेने जाइए, डॉक्टर साहब से बात करते रहिए, 2 दिन हो जाएगा काम। सर ऐसी बात एलर्जी की चल रही थी मैं तो इसलिए मैंने पूछा कि मेरे बेटे को सीवियर एलर्जी रहती है सर, जहाँ तक हमने स्टडी की तो ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि उसे लैक्टोज एलर्जी है। लैक्टोज
शायद सर, मतलब टेस्ट एक बार करवाया था तो उसका हाँ। एलर्जी कॉम्पोनेंट बहुत हाई है, पर मुझे लगता है कि जब उसे हम दूध की कोई भी चीज़ देते हैं, चाहे पनीर हो या दही भी हो, तो फिर बहुत जल्दी वो मतलब सीवियर एलर्जी होता है उसको। हाँ। तो अगर इस केस में सर, अगर मेरी वाइफ अगर क्योंकि वो उसको फीड कर रही है और वो अगर वैक्सीन ले तो मेरे बेटे को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना सर, क्योंकि उसको एलर्जी सीरियस मोड में होता है। देखिए नॉर्मल हिसाब से तो नहीं करेगा, क्योंकि इस वैक्सीन में मिल्क प्रोटीन का कोई कंपोनेंट नहीं है जी। आप वाला जो केस है वो थोड़ा सा, मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा सुधार दूं, आप जो बोल रहे हो ना लैक्टोज, वो शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्या, शायद मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाएगी। हो सकता है सर, हो सकता है। मतलब दूध में दो तरीके प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को दूध में, एक आती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उससे नॉर्मली बच्चों के लूज मोशन होने लग जाता है या लेटरिन का रास्ते में घाव हो जाता है और या पेट फूलने लग जाता है, गैस होने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है। और मिल्क प्रोटीन एक एलर्जी ऐसा है जिससे उसके स्किन एलर्जी भी आ जाएगी, उसके दमा जैसा अटैक भी आ जाएगा, उसको छींक वगैरह भी आ जाएगी, उसके धाफड़े भी हो जाएंगे, तो वो शायद मिल्क प्रोटीन एलर्जी का बच्चा है आप वाला। सर एलर्जी तो, सर एलर्जी के बारे में अगर मैं पूछूं सर एलर्जी हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं क्या सर? हाँ होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें अगर मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और वो वाइफ आपकी आराम से वैक्सीन ले सकती है, खाली आपको यही सजेस्ट करूंगा दो दिन आप अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है उनके खाली कॉन्टेक्ट में रहिएगा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरी 10 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है, तो वो लोग जैसे लिमसी, जिंकोवेट और ये स्टिंग किस क्वांटिटी में ले, जैसे अभी मैसेजेस आते हैं कि लिमसी लेना है, जिंकोवेट लेना है, स्टिंग लेना है, तो मैं बच्चों को किस हिसाब से दूं, किस क्वालिटी में, क्वांटिटी में? देखिए एक एक की बात करते हैं। पहला बात, ये लिमसी और जिंकोवेट कोरोना को तो नहीं रोकती है, ये फाइनल है। लिमसी और जिंकोवीट आपके बच्चे की इम्यूनिटी को थोड़ा सा इधर उधर कर सकती है, बढ़ा सकती है, वो अलग बात है। पहला बात, कोई भी दवाई है तो आखिर मेडिसिन फॉर्म में ही, आप जिंकोवीट भी जब लाते हो तो उस जिंकोवीट के अंदर में भी कई कुछ कलर मिला हुआ है, कुछ सेंट मिला हुआ है, कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिले हुए हैं जो उसको झूठ मूड में परेशान भी कर सकते हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको इच्छा ही हो तो मेरे को तो देना ही है, तो जिंकोविट की जो आपने कितना कितना उम्र बताया जी? 11 साल की बेटी, 5 साल का बेटा। हाँ तो 5 साल वाले को आप जिंकोविट सिर्फ 5 ml दिन में एक बार, 11 साल वाले को 5 ml दिन में 2 बार आराम से दीजिए। बैलेंस आउट करने के लिए सप्ताह में 6 दिन दीजिए, 1 दिन ऑफ कर दीजिए। लिमसी विटामिन सी है, बहुत लोगों को इसके लिए पेट में प्रॉब्लम आती है, लूज मोशन होता है, पेट में गैस होती है, ऑस्कोर्बिक एसिड, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खाना ठीक नहीं है। उससे बढ़िया मैं आपको बोलूंगा सर, मैं देना है, आप नींबू का रस पिलाइए, नींबू शिकंजी रोज पिलाइए। मैं दोनों ही दवाई नहीं देना चाहते अपने बच्चों को ना, जिनको भी इतना नहीं देने में ज्यादा फायदा है। हाँ तो इस ऑप्शनल में मैं बच्चों को होममेड या होममेड थिंग क्या खिलाऊं कि उससे इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और ये लोग उस चीज को, जैसे आने वाले टाइम को ये लोग उस चीज को फेस कर पाए। देखिए आप आपके जो उम्र के बच्चे हैं उनको शायद अपनी आपके क्लासेज में उनके में आ गया होगा कि जो फूड को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव फूड एक शब्द आता है वहाँ पर, एक बॉडी बिल्डिंग फूड, एक एनर्जी गिविंग फूड और एक प्रोटेक्टिव फूड, 3 तरह के फूड आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब ये विटामिन एंड मिनरल्स, और विटामिन एंड मिनरल्स का मतलब है सीजनल फूड एंड ग्रीन वेजिटेबल। सीजनल फूड ग्रीन वेजिटेबल खिलाना है, इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। You don't सर मेरी बेटी ग्रीन लीफ्स फूड खाना ही नहीं चाहती, प्रॉब्लम है। अगर आप बोलो कि मेरी बच्ची मैथ्स पढ़ना नहीं चाहती, बाकी सब में तो टॉप है तो फेल मारेगी। और सर हम लोग स्टीम कितने देर तक ले, बड़े लोग? स्टीम का भी सेम ही बात बोलूंगा मैं तो, आप जितना ज्यादा लोगे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जलती रहेगी, आपके अंदर की जो मुंह के अंदर की जो झिल्ली है ना म्यूकस मेम्ब्रेन, जितनी आप उस पर, आप कभी हाथ पर ऐसी हीट लेकर के देखिएगा तो डायरेक्ट कितनी देर तक आप ले सकते हो, जितनी आप ज्यादा लेते रहोगे आपका हाथ गलने लग जाएगा, आप हाथ को हटा लो। इतना कम से कम लो, खाली वो जो म्यूकस रहता है ना, म्यूकस समझ गए आप, जो श्लेषा जो रहता है हमारे गले में उसको खाली वो सॉफ्ट करता है, उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई काम नहीं। थैंक यू। कोरोना तो नहीं रोकता, ये तो फाइनल। हाँ जैसे अपन लोग को मतलब प्री प्रोटेक्शन के लिए अपन लोग को क्या कर सकते हैं, अपन लोग सिर्फ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वही करना है, या अपन घर पे रहके? न्यूट्री मैं बता रहा हूँ, बैलेंस मैंने आपको बार बार कहा, एक तो गया MDH
मास्क लगाना है, डिस्टेंस फॉलो करना है और हाइजीन को मेंटेन करना है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या आएगा, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट जो अभी हमने बात की, हाइड्रेशन अपना ठीक रखिए, पानी बराबर पीजिए, नींद और रेस्ट बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना ही करना है, फिजिकल एक्सरसाइज। बच्चों को बोलिए थोड़ा खेलेंगे, टीवी मोबाइल में ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर आप उनको मेडिटेशन थोड़ा सिखा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ओम चेंटिंग, नमोकार का चेंटिंग सिखा दीजिए, बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ा रही है। मैं अभी पिछले एक महीने से वही करा रही हूँ बच्चों को। हाँ, बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाएगा उनको। ओके, थैंक यू अंकल। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे आपने कहा कि हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो क्या इतने गर्म मौसम में भी क्या हमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए? हमने सुना है कि हल्दी थोड़ी सी गर्म करती है शरीर के लिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए? देखिए, इसका मैं उत्तर, हालांकि आई एम नॉट आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, मैं पहले ये थोड़ा सा एक वो ले लेता हूँ कंडीशन अप्लाई वाली बात, तो मैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। एक दूसरा पॉइंट मैं एक बोलता हूँ आज आपको, हमारे घर के अंदर में कौन से दिन सब्जियों में हल्दी नहीं डाली जाती? कोई ऐसा दिन होता है क्या? कोई ऐसी सीजन है क्या? कोई भी ऐसी सीजन है या कोई भी ऐसा दिन आता है जिस दिन आज भाई हल्दी नहीं डलेगी? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमको एक आइडिया है कि अपन लोग इतना सब्जी डाल, इतना सब्जी में हल्दी डलता है अपने, उतना तो डल ही सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ आपके छोटे बच्चों को, जिनको आप बच्चा बोलते हो, छोटा बच्चा बोलते हो, उसको आप आधा चम्मच और बड़ों को एक चम्मच वो हल्दी पाउडर एक्स्ट्रा ले सकता है। हाँ, एक मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें एक चीज बोला गया था कि अनलेस यू टेक 7 grams ऑफ हल्दी पाउडर, अनलेस यू टेक 7 grams ऑफ हल्दी पाउडर पर डे, इट इज नॉट गोइंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो 7 grams कम से कम खाने की बात बोला, तो 7 grams का मतलब हो गया 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच में से आधा चम्मच तो हम लोग खा लिए सब्जी में, एक आदमी आधा चम्मच तो खा लेता होगा सब्जी में, एक आदमी की बता रहा हूँ, परिवार की नहीं बोल रहा हूँ, तो 1 चम्मच आप एक्स्ट्रा खा लीजिए, 1 चम्मच हल्दी बड़ों को, छोटों को आधा। मगर जो हम लोग सब्जी में खाते हैं वो तो पकी हुई होती है ना, मतलब वो हम लोग दूध पे, हम लोग को डायरेक्ट पकने के बाद वो शायद वो इतना आप 1 चम्मच पाउडर उस दूध में डाल के पी सकते हो, या पानी में डाल करके भी पी सकते हो, या जो लोग शहद खाने वाले हैं शहद के साथ ले सकते हैं, जो शहद नहीं खाने वाले हैं वो गुड़ के साथ ले सकते हैं, आप उसके साथ में तुलसी वगैरह ले सकते हो, जो अपन लोग नॉर्मल पे बात करते। मैं 2-4 दिन रेगुलरली 1 चम्मच डाल के पी रही थी, तो मुझे अलग से गर्म सी घुटन सी होने लगी थी, तो क्या ये उसके कारण है या कुछ और गर्म, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो, देखिए एक चीज बोलते हैं हम लोग इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी मानी कोई भी चीज किसी के कभी भी घटित हो सकती है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे वैक्सीन किसको रिएक्शन करेगी ये नहीं जानते हैं, कोरोना होने के बाद कौन मरेगा हम लोग नहीं जानते हैं, तो कई चीजें ऐसी होती है जो इलडिफाइंड है। तो अगर आपको हुआ था तो आप 3 दिन बंद करके देखिए, जैसे हम लोग कई बार होता है ना, एक बच्चे को कोई चीज खिलाया और माँ बाप को डाउट हो गया कि इसके लिए इसका पेट खराब हो गया, तो हम लोग उसको यही सजेस्ट करते हैं कि एक बार के लिए बंद कर दे, 2 सप्ताह के लिए बंद रख, देन यू रीस्टार्ट इन द लो डोज, रीस्टार्ट इन द लो क्वांटिटी, एंड इफ द चाइल्ड कैन टॉलरेट यू ग्रेजुअली बिल्ड द अमाउंट, वही वाला चीज यहाँ अप्लाई होगा। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं ना, बुजुर्ग वगैरह अगर है, हमारे बुजुर्ग जो है सास ससुर, उनको भी हम लोग अमाउंट पे दे सकते हैं, देना चाहिए। मतलब हल्दी के ऊपर में इतनी स्टडी हुई है इन दिनों में, कर्क्यूमिन बोल के उसके अंदर में क्या, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर बोल करके भी मैं क्यों बता रहा हूँ, हल्दी के अंदर में एक केमिकल कंपाउंड रहता है दैट इज कॉल्ड कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन नाम का एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को अभी इस 1-1.5 साल में बहुत स्टडी किया गया है, खाली कर्क्यूमिन ही एक ऐसा कंपाउंड निकला है, कर्क्यूमिन ही खाली एक ऐसा कंपाउंड निकला है। आप एक में थोड़ा सा एक बार टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कोरोना में क्या हो रहा है कि एक आदमी से कोरोना होता है, फिर कोरोना में से 80% 85% 90% आदमी थोड़ी मोट छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाते हैं, 10% आदमी सीरियस होते हैं, उनको सीरियस कौन कर रहा है? शायद आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कोरोना वायरस कर रहा है, नहीं, ये गलत सोच है। कोरोना वायरस तो बेचारा 10 दिन में हमारे शरीर से विदा हो चुका होता है, वो निकल चुका होता है, इसलिए बोलते हैं कि आइसोलेशन से निकलने के बाद में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो फिर बीमार फिर मार कौन रहा है आदमी को? हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब ब्रेक के जैसा है, जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है वैसा। अगर आप ब्रेक चल लगाओ और काम कर जाए तो आप जीवन बचा सकते हो, और ब्रेक अगर फेल हो जाए तो वो किसी की जान ले सकता है। वैसे हमारा इम्यून सिस्टम भी कई बार ओवर फायर करने लग जाता है, और वो ओवर फायर करने के कारण आदमी मरता है, तब आदमी कोरोना का पेशेंट सीरियस होता है। उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन हमारे शरीर में होने वाले इम्यून सब्सटेंसेज है, लेकिन जब तक वो सावर फॉर्म में रहते हैं ठीक रहते हैं, हमको फायदा करते हैं। जब वही स्टॉर्म फॉर्म में आ जाते हैं, तूफान फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो हमको मार देते हैं। इसलिए मेरा तो पता नहीं, मेरे तो पढ़ पढ़ा करके हल्दी पर इतना विश्वास हुआ कि कोरोना में बाकी आप करो चाहे मत करो, मास्क जरूर पहनना है, हल्दी जरूर खाना, और कोई को भी डाउट हो तो उसको रूम में जरूर घुसा देना, उसको बाहर मत आने देना, घर वालों से नहीं मिलने देना। ये तीन चीज आपको जरूर करनी है। और आपने जो ब्लैक फंगस के बारे में बताया था, क्या वो खाली को ही हो सकता है या हम लोग नॉर्मल जो विदाउट? कोई बात नहीं, इसको देखो मैं एक बहुत सिंपल, आप यहाँ पर तो बहुत मदर्स बैठी हुई है, आप लोगों को एक एक्सपीरियंस की बात बता, तो आप में से जरूर कोई ना कोई तो हाँ भर देगी, कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, डॉक्टर राकेश भी शायद मेरे को सुन रहा होगा बढ़िया से, डॉक्टर राकेश को तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो साधारणतया हम लोग देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जब 5-7-8-10 दिन का होता है तो उसके मुंह के अंदर में एक सफ़ेद फफूंदी जैसे आ जाती है। फिर हम लोग के पास जब लेकर के आते हैं, हम लोग बोलते हैं माउथ थ्रश हो गया इसको, ये इसको ओरल थ्रश हो गया, इसलिए हम इसको कैंडिड माउथ पेन नाम की एक दवाई लिख के दे देते हैं कि ये आप इसको अप्लाई करिए, बच्चा ठीक हो जाए, और वो 100% ठीक होता है। मेरा 33 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने एक भी पेशेंट में ऐसा नहीं देखा तो वो फेल मारा हो। ये पता है इसी चीज को भी टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, व्हाइट फंगस। ये जो व्हाइट फंगस बोल रहे हैं ना, कैंडिडायसिस, आपने अगर नाम सुना हो अभी कैंडिडायसिस, दिस इज कॉल्ड कैंडिडा इन्फेक्शन। ये वही चीज है जो हम लोग ओरल कैंडिडायसिस नाम के छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी में आप लोगों में से बहुत लोगों ने ट्रीटमेंट हम लोगों से करवा दिया है। जैसे ही ब्लैक फंगस है, खाली ब्लैक फंगस नॉट ए कॉमन डिजीज, ये खाली इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है उन्हीं को पकड़ता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन मत होने दीजिए, बाजार से ले लेकर के डेढ़ 100 नंबर खाने दीजिए। अभी तो लोगों ने ऐसा किया था, वो 2-4 वीडियो बीच में वायरल हुए थे, कुछ वीडियो लोग खाने लगे, बाजार से जाकर के फार्मेसी में जाते थे, डेढ़ 100 लाते थे, शुरू कर देते थे, कोरोना हो भी गया तो मैं नहीं मरूंगा। अब वो कोरोना से तो नहीं मर रहा, लेकिन अब ब्लैक फंगस से मर रहा। ये ब्लैक फंगस कोरोना ने नहीं किया है, अच्छा से फिर एक वापिस बोल रहा हूँ इस लाइन को, ब्लैक फंगस कोरोना ने नहीं किया है, हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने मानी पब्लिक ने, डॉक्टर्स ने नहीं, पब्लिक ने किया है बिकॉज ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। जो रॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये पेशेंट मेरा आईसीयू में भर्ती हो गया था, या इसको हॉस्पिटल में मैंने इतना दिन ऑक्सीजन दिया इसके लिए इसके ब्लैक फंगस हो गया। उनको मैं बोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में मैं कई पेशेंट्स को जानता हूँ जो आईसीयू में महीने महीने रह करके आ गए। जब भी हार्ट का पेशेंट कोई होता है, बाईपास सर्जरी वगैरह होती है, कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 दिन आईसीयू में रह के आते हैं। उन्हें कब कभी नाम सुना है आप लोगों ने ब्लैक फंगस का? कभी नहीं। तो ऑक्सीजन भी महीनों महीनों लगती है लोगों के, कोमा में रहते हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने पेशेंट, कभी भी तो ब्लैक फंगस का नाम नहीं सुना। तो डॉक्टर्स की देखरेख में अगर स्टेरॉइड लगता है, डॉक्टर्स की देखरेख में अगर ऑक्सीजन लगती है, डॉक्टर्स की देखरेख में अगर वेंटिलेटर लगता है, तो आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस मिनिमम है। लेकिन खुद उस्तादी मार के अगर बाजार से दवाइयाँ लाके खाओगे तो फिर भगवान ही मालिक, फिर कोरोना को और डॉक्टर्स को दोष मत दीजिए, न कोरोना कर रहा है न डॉक्टर कर रहा है। अच्छा, ये जो आप स्टीम की बात करते हैं कि हमें क्या स्टीम नॉर्मल आदमी को भी हम लोग को भी लेना चाहिए, हम लोग को अगर बारिश से हम लोग ले सकते हो? बहुत तरह से है आजकल, क्या देखिए खाली एलोपैथिक तो चल रही है, हजार तरह की पेटी चल रही है, लेकिन मैं आपको एक खाली बात बता सकता हूँ कि 1.5 साल हो गया कोरोना को आई हुई, मैंने तो स्टीम नहीं ली, और भगवान की दया से बचा हुआ हूँ, और पेशेंट्स भी देखता हूँ, सब कुछ ही काम किया है। ले सकते हो अगर आपको लेने का शौक, तो कोई बात नहीं, आप जलने की करना चाहते हो जलने की भी ले सकते हो, आप कोई एनेमा लेना चाहे बॉडी को डिटॉक्स करना चाहे वो भी कर सकते हैं, आप लोग कोई खाली फलाहार करना चाहे वो भी कर सकते हो, आप लोग कोई खाली फल के जूस पी करके जो आजकल जो नेचुरोपैथी में चल रहा है डिटॉक्स करो बॉडी को कर सकते हो, ये अपनी अपनी इच्छाएं हैं।
लेकिन इस भरोसे मत करिएगा कि भाप ले ली कोरोना नहीं होगा और मास्क नहीं लगाऊंगा। मास्क लगाना ही होगा, डिस्टेंसिंग पालन करना ही होगा, हाथ बार बार धोना ही होगा, क्लीनलीनेस रखना ही पड़ेगा, सरफेसेज ऑब्जेक्ट सैनिटाइज करना ही होगा, टाइम पर वैक्सीन आपको जरूर लेनी होगी। इनके अलावा आप भाप लेना चाहोगे? डॉक्टर साहब, मैं फिर एक बार आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मुझे अस्थमा है। हाँ। तो मुझे ये दवाई जो सेरोफ्लो इनहेलर 250 लेनी पड़ती है सुबह शाम। हाँ। दो पग। बढ़िया, लीजिए। मैंने अभी तक एक भी इंजेक्शन ली नहीं है। हाँ। तो मैं लेने के पहले और लेने के बाद में मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा या फिर मुझे ये बंद करनी पड़ेगी या कुछ वैसा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको देखिए जैसा कहा ना, आप ये क्रोनिक अस्थमा आपके है, आप इनहेलेशन स्टेरॉइड के ऊपर में हो, आपको ये दवाई आपकी कंटिन्यू रखनी है। इस दवाई में भी तो एक स्टेरॉइड रहता है, तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, वो जो फंगस वाली बातें अभी हो रही है ना, इनहेलेशन लेने के बाद में हमेशा मुंह खुला आपको करना है। खाली इतना सही है, क्योंकि अस्थमा इज ऑल्सो एलर्जिक डिसऑर्डर। आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले कहा, आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना है, नथिंग, नो एक्स्ट्रा मेडिसिन। पफ लेने के बाद ये मतलब मुंह सफा करना ही, एकदम करना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो फंगस होने का डर है। ये मतलब पफ लेने के साथ साथ मुंह खुला करना चाहिए ना, थोड़ा टाइम लेके करना? तुरंत कर सकते हो, तुरंत आप इसको रखो और कर लो, क्योंकि जो दवाई मुंह में रह गई ना, वो तो आपके काम आएगी नहीं, वो तो एब्जॉर्ब होगी नहीं। हम तो इनहेलेशन दे रहे हैं आपको, जो इनहेलेशन में जो दवाई गई, जो लंग्स तक पहुंच गई, वही आपके अस्थमा में आराम देगी। जो मुंह में दवाई चिपक गई, वो आपको साइड इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं देगी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मुझे पूछना था कि रिसेंटली मेरी पूरी फैमिली को अभी कोविड हुआ था, मतलब से मुझे छोड़ के पापा, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों को। बेटी 13 साल की है, बेटा 8 साल का है। आपको छोड़ के? हाँ। मतलब आपको नहीं हुआ? नहीं हुआ, पर तो जिसने मैंने आप सबको पहले ये बताइएगा आपने ऐसा क्या किया था जिससे सबको फायदा हो जाए। नहीं पता सर वो हमको, पर मैंने भी मतलब टेस्ट करवाया, मास्क अच्छा से पहना था, सफाई अच्छे से रखी थी, डिस्टेंस मेंटेन किया था, आपने अपने आप पर ध्यान रखा था। अभी ने ब्लड डोनेट किया था? रखा था सर, पर वो सबको होने के बाद, पहले नहीं रखा था कुछ भी। चलिए कोई बात, तब आपको आपके पुण्य का उदय है, आपकी पुण्य वर्गनाएं ज्यादा है आप। और सर मैंने टेस्ट करवाया था, आरटीपीसीआर भी करवाया एक बार। हाँ। और दो बार आरटी टेस्ट करवाया। ठीक है, दोनों टेस्ट करवाया था और पूरा ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर राकेश जैन के द्वारा हुआ था, इनका पूरा मतलब 100% था इनका फोन, मतलब कांटेक्ट में थे इनके पूरी में। और फिर हाँ। मतलब अभी मुझे खाली ये पूछना खाली कि जो अपन आर्टिफिशियल करवाते हैं, हाँ। जो उसमें वो पॉइंट आता है जैसे 28, 29, मतलब ये क्या चीज है? देखिए मैंने इस बार जैसे मम्मी इस कोरोना के इलाज में जो सबसे खराब चीज हुई है ना, वो क्या हुआ है, मतलब जो मेरे को फील होता है, क्योंकि आज मैं भी समझ लीजिए आज 33 साल से तो मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, उसके साथ पहले 10 साल में पढ़ा हूँ, तो मोटा मोटी मैं मेडिकल साइंस से मैं 40 साल से ज्यादा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हम लोगों को आज तक किसी भी पेशेंट ने ये सब प्रश्न पहले कभी भी नहीं किए थे। जो चीजें डॉक्टरों की जानने की है, जो चीजें डॉक्टरों को जानना चाहिए, वो चीज पेशेंट्स को मीडिया वाले बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा खराबी हुआ है इस कोरोना इलाज में, इसी ने बर्बाद किया हम लोग। अब लोगों के प्रश्न रहते हैं, जैसे अभी आपका है कि सीटी वैल्यू में, इसको सीटी वैल्यू बोलते हैं, आप जो बोल रहे हो तो मेरी सीटी वैल्यू इतनी है, मेरे पास रोज जहाँ तहाँ से मैसेज आ जाते हैं, व्हाट्सअप आ जाता है, डॉक्टर साहब सीटी स्कैन भेजा है, आप थोड़ा देख के उसमें सीटी स्कोर इतना दिया है, आप बता दीजिएगा। मैंने कहा भाई तेरे को क्या करना है, जो करना है तेरा डॉक्टर करेगा, तेरे को क्यों जानना है तेरा सीटी स्कोर या सीटी वैल्यू। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, आरटीपीसीआर टेस्ट होता क्या है। आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या है कि आपके नाक से या मुंह से सैंपल लिया जाता है, तो सपोज करिए उस सैंपल के अंदर में थोड़े बहुत कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हैं। अब वो थोड़े बहुत जो कोरोना वायरस के पार्टिकल है वो पकड़ में नहीं आते हैं लेबोरेटरी में, तो उनको रेप्लीकेट किया जाता है। तो रेप्लीकेशन, जैसे मैंने एक साइकिल रेप्लीकेट किया, फिर एक साइकिल रेप्लीकेट किया, फिर एक साइकिल रेप्लीकेट किया, तो कितनी बार उनको मैंने रेप्लीकेट किया तो वो लेबोरेटरी में पकड़ में आ गया, उसको हम बोलते हैं कि इतनी साइकिल मैंने रेप्लीकेट किया उसके बाद में वो पकड़ में आया। क्लियर ये पॉइंट? तो इसका मतलब जितनी ज्यादा सीटी वैल्यू उतना आपके वायरस का लोड कम, जितनी सीटी वैल्यू ज्यादा उतना आपके नाक में वायरस का लोड कम, उस दिन कम जिस दिन सैंपल लिया था।
ध्यान रखिए इस बात को। जब सैंपल लिया था उस समय की सिटी वैल्यू है उसके 8 घंटा बाद की या 8 घंटे पहले की नहीं है वो। आज आपका जो सिटी वैल्यू है कल वही रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी की सिटी वैल्यू सपोज करिए 25 है या 28 है और उसने आज बाजार से डेक्सोना और मेड्रोल लाके खा ली, स्टेरॉइड खा लिया पहला या दूसरा दिन ही बीमारी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके दो दिन बाद में सिटी वैल्यू उसकी 10 ही आ जाएगी और वो सीरियस रोगी बनता नजर आएगा। ये आपके वायरल लोड को बताता है कि आपके नाक में जो वायरस के नंबर्स हैं वो लोड है वो कितना है। उस समय जब टेस्ट लिया गया और उससे बीमारी की सीरियस का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी सीटी वैल्यू ज्यादा वो कम बीमार, जिसकी सीटी वैल्यू कम वो ज्यादा बीमार, ऐसा नहीं है। वायरल लोड किसका ज्यादा, वायरल लोड किसका कम, टेस्ट करने के पहले। धन्यवाद डॉक्टर सुरेश जी, आपने अपना भूमिगत समय निकाल के हमें बहुत ही लाभदायक चीज़ें बताई। अंत में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सवाल तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ फॉरवर्ड होते हैं कि ये स्टेरॉइड ले लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, या गूगल एक अपने आप में एक डॉक्टर बन चुका है, तो बहुत सारे ऐसे देखने मिलते हैं कि वो स्टेरॉइड ले जाके स्टॉक करके रख देते हैं कि ताकि कल को अगर कोरोना हुआ तो मैं स्टेरॉइड ले लूँगा। तो ये सब तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी के जो भी दवाइयां हैं वो कितनी हार्म कर सकती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा अवगत करा दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको वापस में उसी जगह में जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको कि जब भी किसी के कोरोना हो जाए या कोरोना का संदेह हो जाए तो हमको IMDT फॉलो करना है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले हमको आइसोलेशन में जाना है, पहले डॉक्टर से बात नहीं करनी है, पहले मॉनिटरिंग नहीं करना है, पहले टेस्ट नहीं करवाना है, पहले आपको आइसोलेशन में जाना है, घर वालों को बचाना है, फर्स्ट पॉइंट। फिर आप जाकर के अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी रेट देख लो, कहाँ मैं ठीक हूँ, फिर अपने डॉक्टर से बात कर लो डी, और फिर आपको टेस्ट करने की बात सोचनी है जैसा डॉक्टर बोलेगा। तो मैंने बीच में डॉक्टर को घुसाया, डी का मतलब डॉक्टर। अब अगर आप डॉक्टर के कहे अनुसार चलते हो तो आप गलत दवाइयाँ नहीं खाओगे। अब गलत दवाइयों का जैसे कोई भी आदमी होता क्या, एक्चुअली बीमारी जब शुरू होती है हमारे शरीर में जैसे ही वायरस घुसता है, ये वायरस शुरू के 5 दिन 7 दिन तक मल्टीप्लाई करता है, 10 दिन तक मल्टीप्लाई करता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर इस दौरान कोई भी आदमी स्टेरॉइड दवाई खा ले तो उसका इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा और वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा, मतलब वायरस जो कम मात्रा में थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे और उसके वायरस लोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी बीमारी बहुत फास्ट ट्रैक में चली जाएगी और वो सीरियस बन जाएगा। इसलिए भूल से भी आपको पहले जो 5-7-10 दिन है, जब तक किसी आदमी का ऑक्सीजन नहीं गिरे, जब तक किसी आदमी का रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़े, तब तक स्टेरॉइड खाने की कोई बात ही नहीं है। कई लोगों ने भूल से क्या किया, कई हमारे डॉक्टर्स भी ऐसे थे कि जैसे आपने पहला दिन अगर किसी के बीमारी हुआ उन्होंने कह दिया आप सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवा लो। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो है वो पहला दिन थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ज्यादा आते बोल दिया था आपके तो इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्टेरॉइड खा लो। वो बहुत गलत मैसेज गया था, वो टीवी में बहुत आ रहे थे वैसे मैसेजेस, शायद उनको देख करके लोग शायद हो सकता है गलत डिसीजन ले लिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन खाली वायरस इन्फेक्शन में नहीं बढ़ता है, खाली कोरोना में नहीं बढ़ता है, अगर किसी के एक फोड़ा हो जाए उसमें भी बढ़ जाएगा, अगर किसी के जबरदस्त चोट लग जाए उसमें भी कई बार बढ़ जाए, मतलब इन्फ्लेमेशन एनी टाइप इन बॉडी, एनी टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी में इंक्रीज योर सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ने का मतलब स्टेरॉइड खाना नहीं है, स्टेरॉइड तभी खाना है जब ऑक्सीजन, जब आपके लंग्स में बीमारी चली जाए, मतलब आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए या आपके ऑक्सीजन कम हो जाए या आपको चेस्ट में दर्द होने लग जाए या फिर आपको सांस में तकलीफ होने लग जाए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो उस चीज को आपको समझना है। बिल्कुल भी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसी से ही ब्लैक फंगस हो रहा है, इसी से ही लोग बाग सीरियस हो रहे हैं। और जहाँ तक ये विटामिन्स वगैरह का सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि विटामिन खाली बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, न कि कोरोना बीमारी को ठीक करने के लिए। 80-85% आदमी में एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड होता है, अपनी बॉडी की सिस्टम के हिसाब से ही वो हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको विटामिन खा करके ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहना है, वही वाली बातें, फिर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, नींद आपकी ठीक होनी चाहिए, मेडिटेशन आप करिए, मंत्रा चेंटिंग करिए, तो इम्यूनिटी खाली विटामिन बढ़ाते हैं ऐसी बात तो नहीं लग रही है मेरे को।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, आपको बहुत विटामिन मिलेंगे, बहुत एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, बहुत मिनरल्स मिलेंगे। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये व्हाट्सएप में जो आजकल ऐसे एक मतलब पूरा मोनोटोनस एक प्रेस्क्रिप्शन आता है, देख के डर लग जाता है कई बार, हम लोगों को तो देख के डर लगता है उस प्रेस्क्रिप्शन से कई बार। अब वो पेशेंट देख रहे, अच्छा वो तो खाते हैं साथ में, फिर कोरोनिल और खाते हैं रामदेव बाबा वाले, कहाँ पर कोई छूट नहीं गया है कुछ, कहाँ पर कोरोना कोई साइड से नहीं घुस गया, फिर कोरोनिल और खाते हैं साथ में, फिर वो कोरोनिल वाला प्रेस्क्रिप्शन चलाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो काम एक मास्क कर सकता है, खाली एक मास्क पहनने से हमारा जो काम हो सकता है, या खाली सिंपल एक IMDT फॉलो करने से जो काम हो सकता है, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ज्यादा सुन लिया टीवी में, ज्यादा जानकारी आ गई हमारे पास में, अब हम लोग कंफ्यूज हो गए एक्चुअली। वो ट्रैफिक जब जाम हो जाता है ना, तो फिर पता ही नहीं चलता है, ट्रैफिक पुलिस भी एक बार तो हकबका जाता है कि कौन सी गाड़ी को पार करूं, कौन सी गाड़ी को रहने दूं, उस बीच में अगर एक एम्बुलेंस घुस जाए तो फिर आफत आ गई ट्रैफिक पुलिस। वही वाली चीज हम लोगों के साथ हो रही है अभी। हम लोगों को इतनी गलत इन्फॉर्मेशन इस कोरोना काल में मिली है, मैं आप लोगों को सबको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी सुने अच्छे सोर्सेज से सुने, अच्छे डॉक्टरों से सुने, लेकिन ये जो फालतू की बातें, जैसे टीवी में तो खाली थर्ड वेव और ब्लैक फंगस, जबकि न राकेश कुछ जानता है इसके बारे में, न मैं कुछ जानता हूँ, मैं हम लोग थर्ड वेव आई नहीं, हम लोग जानेंगे कहाँ से। तो ये चीजें हैं, इन चीजों से आप लोग बचो, मिस और बचो, इसको बोलते हैं इन्फोडेमिक। अभी एक पेंडेमिक के साथ में एक नया शब्द और आ गया, इन्फोडेमिक, मतलब इन्फॉर्मेशन का पेंडेमिक आ गया। हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ गई, इतनी बम्बार्डिंग हो रही है, तो हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप लोग ज्यादा इन चक्रों में मत फंसिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है आप तो कुछ बात करिए, आपको राइट एडवाइस मिल जाएगी। सिंपल सा एक सोल्यूशन है, जरूरत नहीं है अब नए फार्मेसीज में जाने के, इतने विटामिन खरीदने हैं ना, कुछ और करने हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, अच्छा खाना खाइए, शांति से रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, 8 घंटा सोना है, जो ज़्यादा उम्र वाले हैं वो 6 घंटे ही सोइएगा, और बाकी सारे धर्म ज्ञान करिए, अच्छे से रहिए, दूसरों की सेवा करिए। जिन गरीबों के घर में कोरोना होने के चक्कर में खाना नहीं बन रहा है, उनके घर में खाना पहुंचवाइए, मेरे हिसाब से वो प्लाज्मा देने से ज़्यादा दान अच्छा है, उसमें आपको शायद ज़्यादा पुण्य मिलेगा, तो वो आप एक करिए, बढ़िया से बढ़िया चीज़। धन्यवाद डॉक्टर सुरेश जी जैन, थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।